बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। लाइब्रेरी वॉइस के नॉवेल देवी में आप सबको खुशामदीद। वीडियो की तरफ आने से पहले लाइब्रेरी वॉइस की प्यारी सी ऑडियंस से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं नॉवेल देवी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अचानक सामने से आने वाली एक कार के पहिए जोर से चरचराए और वह चंद मीटर आगे जाकर रुक गई। क्या यह कोई नई मुसीबत है, शानी ने लरसकर सोचा। सफेद टोयोटा कार रिवर्स हुई और रुस्तम के करीब आकर रुक गई। उसमें से जो फर्द निकला उसे देखकर शानी शशदर रह गई। उसे अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आया। वो राजू था, कोकी का शोहर और ताऊ हशाम का बेटा। वो पैंट शर्ट में था। रुस्तम से ज्यादा वो शानी को जानता था, लेकिन शानी चूंकि नकाब में थी इसलिए उसकी निगाह रुस्तम पर ही पड़ी थी। रुस्तम ने भी राजू को पहचान लिया था। राजू बाहें खोलकर रुस्तम से बगलगीर हो गया। सिक्योरिटी गार्ड माजरत के अंदाज में पीछे हट गए। आप यहाँ? मैं हैरान रह गया हूँ, राजू बोला। फिर उसके सवालिया निगाह शानी की तरफ उठी। ये कौन है? तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकती हैं? रुस्तम ने कहा। राजू ने आंखें सिकोड़कर गौर से शानी को देखा। फिर एकदम उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो तेजी से शानी के करीब आया। शानी बाजी, आप? वो लर्जा आवाज में बोला। उसने बेसाख्ता अपना सर शानी के कंधे से लगा दिया। चंद मिनट बाद वो दोनों राजू के साथ उसके सफेद कार में थे और कार तेजी से नहर की तरफ जा रही थी। राजू समझ गया था कि शानी और रुस्तम फिलवक्त शदीद मुश्किल में है। उसने रुस्तम की खून आलूद पिंडली देख ली थी और उसकी चादर के नीचे क्लाशनकोफ की मौजूदगी भी महसूस कर ली थी। उसने शानी और रुस्तम से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। उसने अपनी तमाम तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मबजूल रखी। वो ज्यादा अच्छी ड्राइविंग नहीं कर रहा था, मगर सड़कें खाली थी इसलिए कोई दुश्वारी नहीं थी। 5-6 मिनट में राजू की गाड़ी एक नई कोठी में दाखिल हुई और पोर्च में रुक गई। कोकी कहाँ है? शानी ने पूछा। वो भी यहीं है बाजी, दरअसल छोटी निदा के पेट में दर्द हो रहा है। मैं मेडिकल स्टोर से उसकी दवा लेने निकला था। कुदरत को मंजूर था कि आपसे मुलाकात हो। निदा राजू की बच्ची का नाम था। किसी अंदरूनी कमरे से बच्ची के रोने की बारीक आवाज बुलंद हो रही थी। चौकीदार ने गेट बंद कर दिया और राजू शानी और रुस्तम को लेकर अंदर आ गया। अंदर पहुंचकर शानी ने अपना नकाब हटा दिया। उसने रोशनी में देखा कि रुस्तम की तरह उसका अपना हुलिया भी अबतर हो रहा है। राजू लरसती आवाज में पुकारा, देखो कोकी, कौन आया है? अंदर से कोकी बरामद हुई। उसकी गोद में रोती बिसूरती बच्ची थी। वो कुछ देर तक खुली खुली आंखों से शानी को देखती रही, फिर उसे पहचान कर हैरतजदा रह गई। उसने बच्ची को एक तरफ लिटाया और शानी आपा पुकारती हुई दौड़कर उससे लिपट गई। शानी के जख्मी कंधे से शदीद टीस उठी, लेकिन उसने अपने तासुरात छुपा ली। फिर भी शानी की जख्मी उंगलियों पर उसकी नजर पड़ गई। शानी आपा, आप कहाँ से आ रही हैं? खैरियत तो है, आपके कपड़ों को क्या हुआ? उसने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। खैरियत नहीं है कोकी, शानी ने मुख्तसर जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो अंदरूनी कमरे में आ गए। राजू ने कहा, आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं शानी बाजी। शानी ने रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम बोला, शायद तुम लोग टीवी वगैरह नहीं देखते। टीवी तो है, लेकिन 2-3 दिन से निदा की तबीयत इतनी ख़राब थी कि हम दोनों को कोई होश ही नहीं था। कहीं पुलिस के साथ तो? राजू ने फिक्र अधूरा छोड़ दिया। रुस्तम ने असबात में सर हिलाया। गुलबर्ग के इलाके में 2 दिन से टाकरा हो रहा था, दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान हुआ है, राजू ने चौंकते हुए कहा। हाँ, कल हम निदा के अस्पताल में थे, वहाँ एक बंदा गुलबर्ग में पुलिस मुकाबले की बात तो कर रहा था। कह रहा था कि किसी इंस्पेक्टर तुफैल को गोली लगी है। इंस्पेक्टर नहीं, सब इंस्पेक्टर था, डिप्टी रियाज का रिश्तेदार है, रुस्तम ने तसीह की। वो हमारे साथ लड़ने वालों में शामिल था। आपके साथी नासिर और अजमल वगैरह कहाँ हैं? राजू ने पूछा। नासिर भी हमारी तरह बच निकलने में कामयाब हुआ है, मगर अजमल को गोली लग गई है, रुस्तम ने बेहद बोझल लहजे में कहा। और वो महतम सरदार दुर्राज? वो भी नहीं बच सका। रुस्तम की आवाज़ मजीद बोझल हो गई। उसकी आंखों में खून तैर रहा था। राजू और कोकी के चेहरों पर गहरा दुख नजर आया। राजू बोला, मैं अभी आपके लिए कमरा ठीक करवाता हूँ, आप यहाँ बिल्कुल महफूज रहेंगे, किसी तरह का कोई डर फिक्र नहीं है। नहीं राजू, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, पुलिस हमारे पीछे है, हम तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनना चाहते, रुस्तम ने जवाब दिया। कोकी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? शानी आपा हमारे लिए सगी बहनों की तरह हैं, इन्होंने जो कुछ हम दोनों के लिए किया है हम मरते दम तक नहीं भूल सकते, इनके लिए हमारी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। इसी दौरान कोकी की बड़ी बहन सुंबल भी अंदर आ गई। वो नींद से बेदार हुई थी, उसके गुलाफी आंखें भारी नजर आ रही थी। यही वो लड़की थी जिससे कोताह कर डोले ने खामोश मोहब्बत की थी, जिसकी तमन्ना चुपके चुपके अपने दिल में पाली थी और फिर उस तमन्ना समेत मनो मट्टी नीचे जा सोया था।
शानी को पहचानकर सुंबल भी हैरान हुई। फिर वो लपक कर शानी के गले लग गए। कुछ देर बाद शानी नहाकर अपने कपड़े बदल चुकी थी। सुंबल के कपड़े उसे तकरीबन पूरे आए थे। वो अजमल खान और दोराज की मौत पर सोगवार बैठी थी। कोकी और सुंबल उसे दिलासा दे रही थी और साथ साथ खुद भी अश्क गिरा रही थी। कोकी, ये घर किसका है? शानी ने पूछा। हमारा है आपा, हमने 6 महीने पहले खरीद लिया था। इसका बचा खुचा काम हो रहा था। हम सिर्फ 20-25 दिन पहले ही गाँव से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अभी तो सामान भी पूरी तरह सेट नहीं किया है। ताओ कहाँ है? शानी ने पूछा। वो 2-3 महीने पहले ही यहाँ आ गए थे। लाहौर में उनके 3-4 केसों की तारीखें चलती हैं ना। वो ठीक हैं? शानी ने दरियाफ्त किया। कोकी ने इस्बात में जवाब दिया। वो भी हमारी तरह आपके लिए बहुत परेशान रहे हैं। 2 दिन पहले कोर्ट के अहाते से उनका फोन आया था। उन्होंने बताया कि अखबार में आपके लापता होने की खबर छपी है। वो इस खबर को झूठा बता रहे थे, लेकिन अब ये सब कुछ सच निकला है। आप रंगवेली के बजाय यहाँ लाहौर में हैं। शानी ने कोकी और सुंबल को मुख्तसर अल्फाज में अपने हालात के बारे में बताया। ताहम सकीना की मौत की खबर वो उन दोनों से भी छुपा गई। शानी के हालात ने कोकी और सुंबल को मजीद गमजदा किया। फिर गुफ्तगू का रुख डोले की नागहानी मौत की तरफ मुड़ गया। वो तीनों उसकी मौत पर सोगवार हो गईं। सुंबल ने रोते हुए कहा, वो बहुत अच्छा था, बड़ा सादा दिल, बड़ा हमदर्द। कोकी और राजू को मिलाने में आपकी तरह उसने भी बहुत कोशिश की। कोकी की खराब हालत देखकर वो राजू को ढूंढने निकल गया और कई मौकों पर अपनी जान तक खतरे में डाली। मैं उसकी कोशिशों की गवाह हूँ, शानी ने कहा। लेकिन तुम्हें पता है वो ये सब किसके लिए करता था? सुंबल के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। उसकी पलकें झुक गईं। 2 मोटे आंसू उसके शफाफ रुखसारों पर फिसले। वो बोली, पता है भी और नहीं भी। वो मुझसे बहुत लगाव रखता था, अपने दिल की हर बात मुझसे कहता था। लेकिन कोई बात ऐसी भी होगी जो उसने नहीं कही होगी। सुंबल ने एक आह खींच कर दोबारा गर्दन झुका ली। शायद आप ठीक कहती हैं, वो कभी कभी कहता था। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने कभी उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की। 2-4 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा वो कुछ कहने के लिए मेरे पास आया है। उसने ढेरों बातें की, मगर वो इधर उधर की बातें ही करता रहा। कोई ख़ास बात उसकी ज़बान पर कभी नहीं आई। तुम्हें कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा सुंबल। सियाने कहते हैं ना आपा, जिस गांव जाना ना हो उसकी राह पूछने से फ़ायदा। वो तीनों खामोश हो गईं, अपनी अपनी जगह सोचती रहीं, डोले के बारे में, उसके मुकद्दर के बारे में। आखिर सुंबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा क्यों होता है आपा? कुदरत कुछ लोगों से ऐसा मजाक क्यों करती है? उन्हें पूरा दिल और पूरी सोच देती है, मगर जिस्म पूरा नहीं देती। कुदरत के काम कुदरत ही जानती है और हर काम में कोई हिकमत होती है, शानी ने होले से कहा। वो तीनों कालीन पर बैठी थी। शानी और सुंबल ने दीवार से टेक लगा रखी थी। सुंबल ने अपना माथा अपने घुटनों पर टेक कर चेहरा छुपाया और अचानक सिसकियों से रोने लगी। फिर उसकी सिसकियां बुलंद होती गईं और हिचकियों में बदल गईं। वो मौसलाधार रोई और कई मिनट तक रोती रही। शानी ने उसे अपने कंधे से लगा लिया था ताकि वो अपने दिल का बोझ अच्छे तरीके से हल्का कर ले। वो क्यों रो रही थी शायद उसे खुद भी पता नहीं था। इसी दौरान में राजू और रुस्तम ने टीवी का तार वगैरह लगाकर उसे ऑन कर लिया था। कुछ देर बाद खबरें नशर हुईं तो उनमें गुलबर्ग की खबर भी मौजूद थी। ज्यादा तफसील नहीं थी, बस इतना बताया गया था कि घेरे में आए हुए मजीद 3 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस इमारत के अंदर पहुंच गई है और मजीद मुलजिमों की तलाश जारी है। तहखाने में होने वाले एक जोरदार धमाके का जिक्र भी खबर में मौजूद था। उसे डायनामाइट का धमाका कहा जा रहा था। असल में यह वही M67 दस्ती बम था जो रुस्तम ने पुराने सीवरेज पाइप के अंदर फेंका था और जिसकी वजह से उसे और शानी को भागने का मौका मिला था। अब रात के करीबन 3 बज चुके थे। कभी कभी किसी दूर अफ्तादा सड़क से गुजरने वाली पुलिस मोबाइल का सायरन भी सुनाई दे जाता था। राजू ने रुस्तम को अपने साथ लिया और दूसरी मंजिल के कमरे में चला गया, जबकि शानी और सुंबल नीचे कोकी के बेडरूम में रहीं। राजू समेत यहाँ किसी को मालूम नहीं था कि शानी और रुस्तम शादीशुदा हैं, वरना शायद उनके लिए एक ही कमरे का इंतजाम किया जाता। कोकी ने कहा, आपा आप कुछ देर आराम कर लें। शानी खामोश रही। वो लेट गई, मगर उसकी आंखों में अंगारे उतरे हुए थे। गुजर जाने वाला एक एक मंजर आंखों के सामने आ रहा था। अभी अजमल खान की मौत का सदमा ही कम नहीं हुआ था कि सरदार दुराज भी साथ छोड़ गया था। उससे बड़े प्यार से निकली कहने वाला और अपने गज भर चौड़े सीने से उसके सामने महफूज दीवार खड़ी करने वाला दुराज अब कभी न उठने के लिए गिर चुका था। फिर उसे अपने दीगर साथियों का ख्याल आया, डॉक्टर नासिर, जरी, जहांगीर, दुराज का ब्रादर निस्बती और बाकी 3-4 महतम ना जाने कहां और किस हाल में थे। न्यूज में उनके पकड़े जाने की कोई इतला तो नहीं थी, मगर यह भी हो सकता था कि उनकी गिरफ्तारी को छापा गया हो। रुस्तम का ख्याल था कि वह नर्सरी में से लोडर लेकर निकल गए हैं। शानी सोचने लगी कि वो कहाँ जा सकते हैं। फिर उसका ध्यान रुस्तम की तरफ चला गया। उसने देख लिया था कि रुस्तम की टांग जख्मी है और ये वही टांग थी जो एक बार उसके जिस्म से जुदा भी हो चुकी थी। इस टांग में दूसरी टांग जैसी ताकत नहीं थी, कम अज कम अभी तक पैदा नहीं हुई थी। अब उसके जख्मी हो जाने से रुस्तम को मजीद मुश्किल पेश आ रही थी। वो रात भर सो नहीं सकी, बस 2-3 बार ऊंघ सी आई, आंखों से आंसू रिसते रहे। कोकी अपनी रोती बसूरती बच्ची को दूसरे कमरे में ले गई और बच्ची के साथ साथ कुछ देर के लिए खुद भी सो गई।
रात भर करीबी सड़कों पर पुलिस मोबाइल्स के सायरन गूंजते रहे। अली उस सुबह शानी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वो रुस्तम को देखना चाहती थी। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए वो बरामदे की खिड़कियों के सामने से गुजर रही थी जब अचानक ठटक कर रुक गई। उसकी निगाह कोठी के अगली लॉन में पड़ी। सुबह के झटपटे में उसे ताओ हशाम नजर आया। वो बड़े महविया से एक क्यारी पर झुका हुआ था और कुछ कर रहा था। शानी ने ध्यान से देखा और उसका जिस्म सनसना उठा। ये एक वैसा ही मंजर था जो वो इससे पहले भी एक दफा नारपुर में देख चुकी थी। 10-15 फुट मुरब्बा क्यारी में कोई जिंदा शहरी रही थी। यकीनन ये कोबरा सांप था। ताओ हशाम प्लास्टिक के एक लोटे के जरिए क्यारी में कुछ उंडेल रहा था। यकीनन ये पानी नहीं था, ये खून था। ताओ हशाम इस क्यारी की आबियारी खून से कर रहा था। क्यारी के छोटे छोटे पौधों को देखकर शानी का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। ये वही खूनी पौधा था जिसका हसूल बहुत से लोगों के लिए जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ था। इसी पौधे की नहुसत के सबब रुस्तम और नासिर केटू के करीब पाक चीन सरहद तक पहुंचे थे और पूरे एक बरस तक शदीद तरीन मुश्किल के शिकार रहे थे। महरजे की मौत के बाद इस पौधे की काश्त कुछ लोगों के लिए सरबस्ता राज बन गई थी और वो इस राज तक रसाई हासिल करने की कोशिश में थे। शानी को अपने अकब में आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, कोकी उसके पास खड़ी थी। वो नंगे सर और नंगे पांव थी। क्या देख रही हो आपा, उसने पूछा। ये ताओ हशाम कब से इस चक्कर में है? पिछले 2-2.5 महीने से। बल्कि गांव में भी यही चक्कर इन पर सवार रहा है। वो कहते हैं कि अगर वो ये पौधा परवान चढ़ाने में कामयाब हो गए तो बड़ा पैसा कमा सकते हैं। एक सन्यासी को भी उन्होंने अपने साथ लगाया हुआ है। दिन रात लगे रहते हैं। कुछ कामयाबी हुई है? ताओ तो कहते हैं कि हुई है, मगर राजू नहीं मानता। राजू कहता है कि इस पौधे के पत्तों की शक्ल बिल्कुल वैसी नहीं जैसे सबगंदल की होती है। ताओ नहीं मानते। ताओ ने तो एक हफ्ते पहले कुछ पत्ते तोड़े भी हैं और उनकी दवा भी बनाई है। दवा बनाई है? किस लिए? बेचने के लिए। बल्कि यहाँ कारों में बैठकर 2-4 ग्राहक आए भी हैं। एक तो कल भी आया हुआ था। मुझे लगता है कि वो आपका कोई रिश्तेदार है। शानी ने उसका हुलिया पूछा लेकिन कुछ समझ ना सकी। कोकी बोली, ताओ जी को पैसे की कुछ कमी तो नहीं है, बस ये शौक है इनका। इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, चुपके चुपके लगे रहते हैं। ये तो आप सुबह सवेरे उठ गए इसलिए आपने क्यारी देख ली, वरना इन्होंने क्यारी की छोटी चार दीवारी का दरवाजा बंद किया होता है। क्यारी में फनकाता हुआ सांप खौफनाक लग रहा था। ताओ हशाम ने एक छोटे से मुर्दा चूहे को दुम की तरफ से पकड़कर सांप के सामने किया। वो देखते ही देखते उस पर झपट पड़ा। कोई और मौका होता तो शायद शानी इस मामले में दिलचस्पी महसूस करती, मगर अब तो वो एक तुंद आंधी के दोष पर थी। उसके और रुस्तम के पीछे मौत के हरकारे थे और वो उनसे भाग रहे थे। इस शहर में शायद कोई जगह भी उनके लिए महफूज नहीं थी। शानी ताओ हशाम को उसके हाल पर छोड़कर बालाई मंजिल की तरफ बढ़ी और उस कमरे में पहुंच गए जहां रुस्तम ठहरा हुआ था। रुस्तम भी यकीनन सो नहीं सका था। उसकी आंखें मुतवरिम और सुर्ख थीं। उसकी हालत किसी घायल जानवर की सी थी जो अपने शिकार पर झपट पड़ना चाहता हो और उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार भी थे। यकीनन उसकी पिंडली का जख्म परेशान कर रहा था। तन्हाई मिलते ही रुस्तम ने कहा, शानी आपने ऐसा क्यों किया? आप उनके साथ क्यों नहीं चली गई? मैं अकेला होता तो मेरे बच निकलने के मौका ज्यादा होते और मैं डिप्टी रियाज की गर्दन तक भी जल्द पहुंच जाता। अकेले अकेले बहुत भाग कर देख लिया रुस्तम, अब मुझसे और अकेले नहीं रहा जाता। अब जो कुछ भी होगा हम दोनों के साथ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। ये कीमती है या सस्ती, मगर ये आप ही की है, शानी ने अजीब जज्बाती अंदाज में कहा और रुस्तम का बाजू थाम कर उसके चौड़े शाने से लग गई। रुस्तम की क्लाशनकोफ राइफल उसके दूसरे शाने से झूल रही थी और हैंड ग्रेनेड वाला बैग सामने तपाई पर धरा था। इर्द गिर्द की फजा में नादीदा खतरात की आहट महसूस हुई थी। राजू खनखारता हुआ दाखिल हुआ। उसके हाथ में गर्म चाय के 2 कप थे। शानी ने उसे देखा। ये राजू उस उजड़ लड़के से कितना मुख्तलिफ नजर आता था जिसने कभी मयाना गांव में जवान और प्राणियों के दरमियान राजा इंदर के से शब रोज गुजारे थे और यहीं पर बस नहीं हुआ था। उसने अपनी नौउमरी की परवाह किए बगैर शानी को भी जबर का निशाना बनाना चाहा था। आज शायद राजू उन वाकयात के बारे में सोचकर ही नदामत के पसीने में डूब जाता होगा। शानी ने चाय नहीं पी। रुस्तम ने भी 2 घूंट लेकर एक तरफ रख दी। इसी असना में एक देहाती मुलाजिम ताज़ा अखबार ले आया। शानी और रुस्तम ने अखबार देखा। गुलबर्ग के पुलिस मुकाबले की खबर नुमाया जगह पर मौजूद थी। बताया गया था कि पूरे शहर की पुलिस हाई अलर्ट है और मफरूर मुलजिमों को हर जगह तलाश किया जा रहा है। खबर में कोठी के नीचे पुरानी सीवरेज लाइन का भी जिक्र मौजूद था और बताया गया था कि मुलजिमान किस ड्रामाई अंदाज में फरार हुए। खबर में अजमल खान, 2 राज और 4 महतमों को खतरनाक डाकू करार दिया गया था। अजमल और 2 राज की लाशों की तस्वीरों ने उनकी मौत का गम फिर शिद्दत से उभार दिया। मीडिया के लोग उस नर्सरी तक भी जा पहुंचे थे जहां नर्सरी का रखवाला बेहोश मिला था और उसका लोडर गायब पाया गया था। आखिर में एक आला पुलिस अफसर ने अवामुन्नास को यकीन दिलाया था कि खतरनाक मुजरिम रुस्तम और उसके साथी अगले 48 घंटे के अंदर अंदर जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस अफसर का दावा था कि मफरूर डाकुओं के गिर्द पुलिस का घेरा तंग से तंग होता जा रहा है और ड्रॉप सीन दिनों की नहीं घंटों की बात है। रुस्तम और राजू अखबार देख रहे थे जब यकायक कोठी के ऐन सामने 2 गाड़ियां तेज रफ्तारी से आकर रुक गईं। अगली गाड़ी स्टेशन वैन थी।
पीछे एक बंद जीप थी। गाड़ियों का अंदाज देखते ही राजू चौंक गया। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ये कौन है? रोस्तम ने पूछा। पता नहीं, वो उलझते हुए अंदाज में बोला। ठहरो, मैं खुद देखता हूँ, रोस्तम ने कहा और क्लाशनकोफ को चादर के नीचे छुपाता हुआ जीनों की तरफ बढ़ा। शानी साय की तरह उसके पीछे थी। रोस्तम, ध्यान से, वो लरसती आवाज में बोली। रोस्तम ने असबात में सर हिलाया। चौकीदार ने गेट बंद रखा हुआ था और स्टेशन वैन वाले से शनाख्त मांग रहा था। दफतन वैन का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से चौधरी एजाज बरामद हुआ। उसका चेहरा तमतमा रहा था, आंखें सुर्ख अंगारा थी। वो छोटे दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अगली जीप से उसके कारिंदे भी बाहर निकल आए थे। शानी खालू एजाज को देखकर बुरी तरह ठटक गए। उसके अंदर से एक सवाल दर्दनाक पुकार बनकर उभरा। तो क्या वो बुरी घड़ी आ गई है? खालू एजाज ने गरज कर कहा। चौधरी हश्याम कहाँ हो? चौधरी हश्याम शायद किसी अंदरूनी कमरे में था। रुस्तम और शानी ने कॉमन रूम में से देखा। गेट पर हलचल नजर आ रही थी। चौधरी एजाज के करीबन सभी कारिंदे गाड़ियों में से निकल आए थे। रुस्तम, क्या इन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ हैं? शानी ने डरी हुई सरगोशी की। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, रुस्तम ने जवाब दिया। उसकी तेज नजरें गेट पर जमी हुई थी। शानी ने देखा खालू एजाज के कारिंदे बड़ी अफरा तफरी के आलम में बड़े गेट से अंदर दाखिल होने लगे। एक तनमंद कारिंदे ने किसी बेहोश या नीम बेहोश शख्स को गोद में उठा रखा था। उस कारिंदे के पीछे दो अफराद ने किसी लड़की को उठाया हुआ था। लड़की भी बेहिसो हरकत थी। उसका एक मरमरी बाजू कटी हुई शाख की तरह झूल रहा था। जल्दी करो, अंदर ले चलो, खालू एजाज ने चिल्लाते हुए कहा। खालू एजाज का रंग हल्दी हो रहा था। इसी अस्ना में अंदरूनी हिस्से से ताओ हश्याम तेज कदमों से नमूदार हुआ। सूरत हाल देखकर उसके चेहरे पर भी हवाएं उड़ने लगी। ताओ हश्याम को देखकर चौधरी एजाज धाड़ा। ये देख हश्याम, क्या हशर हुआ है इनका, ये सब तेरा किया धरा है, तेरा किया धरा है। ताओ हश्याम ने आगे बढ़कर उस शख्स को देखा जो एक ग्रांडील कारिंदे की गोद में था। उस वक्त शानी की निगाह ने भी उस बेहोश शख्स को पहचान लिया। वो दमबखूद रह गए। ये खालू एजाज का छोटा भाई शादाब था। खालू एजाज अक्सर शानी के सामने शादाब की तारीफों के पुल बांधते रहते थे। आज ये शादाब बेहोशी की हालत में एक नीम उरिया बेहोश लड़की के साथ इस कोठी में मौजूद था। जोड़े की हालत मखदूश नजर आती थी। वो सब अफरा तफरी के आलम में बेहोश जोड़े समेत ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। ताओ हश्याम नाकाबले फहम भाग दौड़ में मसरूफ हो गया। शानी को कम से कम ये इत्मीनान तो हो गया था कि ये कोई और मामला है। रुस्तम के तने हुए एहसाब तभी कदरे ढीले नजर आने लगे। बहरहाल क्लाशन कोफ पर उसकी गिरफ्त अभी मौजूद थी। ये क्या चक्कर है रुस्तम? शानी ने रुस्तम के बाजू से लगे लगे सरगोशी की। लगता है कोई नशा वगैरह खा लिया है इन्होंने। अचानक शानी का ध्यान सबगंदल की तरफ चला गया। कहीं ये उसी खतरनाक पौधे का शाखसाना तो नहीं? अभी थोड़ी ही देर पहले वो इसी चार दीवारी में सबगंदल की मनहूस झलक देख चुकी थी। ड्राइंग रूम की दीवार गिर खिड़की का पर्दा बराबर नहीं था। अंदर होने वाली भागदौड़ शानी और रुस्तम को दिखाई दे रही थी। इसके अलावा बुलंद आहंग में बोले जाने वाली फिक्रें भी उनके कानों तक पहुंच रहे थे। खालू एजाज बार बार ताओ हश्याम पर बरस रहा था। तुम जिम्मेदार हो, जो कुछ किया है तुमने किया है। ये तो बच्चा था, तुम तो समझदार थे, तुम्हें लालच ने अंधा किया है। मैंने इसे जहर तो नहीं दे दिया और ना मैं चलकर इसके पास गया था, ताओ हश्याम जवाबी तौर पर धाड़ा। जो चीज जान ले ले वो जहर ही होती है, और इसे देखो ये मर रहा है। अगर कर सकते हो तो इसका कुछ करो, ये मर गया तो मैं तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूंगा। ताओ हश्याम के हाथ कांप रहे थे। उसकी समझ में जैसे कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने चम्मच के जरिए कोई स्याही माई लुआबदार दवा शादाब के मुंह में उंडेलने की कोशिश की। ये दवा गालिबन उसकी बाछों से बह गई। ड्राइंग रूम में जो गुफ्तगू हो रही थी उससे पता चला कि तबीयत खराब होने के बाद शादाब ने बड़े भाई एजाज से कहा कि वो उसे चौधरी हश्याम के पास ले जाए। वो लोग उसे गाड़ी में डालकर लाहौर रवाना हुए। साथ में शादाब की साथी लड़की भी थी। रास्ते में दोनों की हालत ज्यादा खराब हो गई। शानी ने देखा कि शादाब के जिस्म पर सिर्फ बनियान और ट्राउजर था। लड़की नीम ओरियां थी और उसके मरमरी बदन पर खरोंचों और खराशों के वाजह निशान थे। रुखसारों पर भी नील दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे रेशमी बाल ड्राइंग रूम के सोफे पर किसी स्याह चादर की तरह बिखरे हुए थे। उसकी बेहोशी भी गहरी दिखाई देती थी। ये वही शैम्पू के इश्तिहार में काम करने वाली लड़की थी। शानी के कानों में वो बात गूंजने लगी जो थोड़ी देर पहले उसे कोकी ने बताई थी। उसने कहा था कि ताओ ने सबगंदल से कशीद की जाने वाली दवा तैयार कर ली है, बल्कि वो उसे खास खास लोगों को इस्तेमाल भी करा रहा है। कोकी ने बताया था कि ताओ हश्याम के पास आने जाने वालों में शानी का एक रिश्तेदार भी शामिल है, तो वह रिश्तेदार यही शादाब उर्फ शाबी था। अब सारी बात शानी की समझ में आना शुरू हो गई थी। अंदर ड्राइंग रूम में सूरत हाल तहलका खेज थी। यूं लगता था कि शादाब ने आखिरी सांस लेने शुरू कर दिए हैं। खालू एजाज फरते गम से चिल्ला रहा था। वो कभी नीम मुर्दा शादाब को झंझोड़ता, कभी अपना सर पीटने लगता था। फिर उसने ताओ हश्याम को दोहतड़ मारकर शादाब से दूर हटा दिया। वो अपने साथियों से मुखातिब होकर चिल्लाया, इसे अस्पताल ले चलो, इस हरामी से कुछ नहीं होगा, ये मार डालेगा इसे। खालू एजाज के कारिंदे चीलों की तरह झपटे। उन्होंने तनमन शादाब को उठाने और कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की,
मगर लगता था कि अब भाग दौड़ का वक्त गुजर गया है। शादाब के हाथ पांव मुर्दा शाखों की तरह झूल रहे थे। उसका चेहरा, जो कुछ देर पहले आग की तरह दहक रहा था, अब ठंडा और बेरंग दिखाई देने लगा था। कोठी के बरामदे में पहुंचकर शादाब का जिस्म एक बार फिर एक सोफे पर रख दिया गया। खालू एजाज की रोती कुरलाती आवाज फजा का सीना चीरती चली गई। मार दिया, मेरे भरा को जान से मार दिया। इस जालिम ने मुझसे मेरा भरा छीन दिया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ओ शादाब, आंखें खोल, ओए देख मेरी तरफ, ओए मुझसे बात कर। खालू एजाज अपने चहीते भाई के मुर्दा जिस्म से लिपट गया और धाड़े मारने लगा। अंदर शायद लड़की भी मुश्किल में थी। उसका खूबरू चेहरा अंदरूनी हिद्दत से सुर्ख था और सांस रुक रुक कर आ रही थी। दो अफराद ने अकलमंदी का सबूत दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी एक जनाने लिबास बेहोश लड़की के जिस्म पर घसीटा और उसे स्टेशन वैन में डालकर ले गए। गालिब इम्कान यही था कि वो उसे अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक में लेकर गए होंगे। शादाब की लाश को एक बार फिर ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया गया। ड्राइंग रूम में कोहराम मच गया। सबसे ज्यादा बुलंद और कर्बनाक आवाज चौधरी एजाज की थी। वो लाडले भाई की लाश पर औरतों के अंदाज में बयान कर रहा था। थोड़ी देर के लिए उस पर गशी तारी हुई। होश में आते ही वो एक बार फिर नोहा कुना हो गया। ताओ हिशाम दाएं बाएं हो गया था। ताहम राजू और कोकी ड्राइंग रूम में नजर आ रहे थे। इस नागहानी मौत पर उनकी आंखें भी नम थी। शानी और रुस्तम कॉमन रूम के अगली दरवाजे से निकले और बड़ी एहतियात से जीने चढ़कर ऊपर पहुंच गए। जो कुछ हुआ वो कतई गैर मुतवक्के था। एक घंटे पहले तक वो सोच भी नहीं सकते थे कि खालू एजाज और उसके भाई से मुलाकात होगी और इस तरह होगी। ऊपर पहुंचकर रुस्तम ने कहा, शानी लगता है ये सब उसी मनहूस बूटी सबगंदल की कारिस्तानी है। शायद बड़े चौधरी मेहर की तरह ताओ हशाम के पास भी सबगंदल मौजूद है। मौजूद नहीं है रुस्तम, ताओ से यहाँ पिछवाड़े में उगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कोकब ने बताया है सब कुछ और मुझे लगता है कि यहाँ ताओ हशाम ने जो कुछ उगाया है वो सही सबगंदल भी नहीं है, उससे मिलती जुलती कोई शय है। मैंने खुद उसके पते देखे हैं। अब ये ताओ की जल्दबाजी ही है कि वो इन पतों से दवा बना रहा था, बल्कि उसने इसका इस्तेमाल भी शुरू करा दिया। नीचे की मंजिल पर अफरा तफरी बदस्तूर मौजूद थी। गाहे बगाहे खालू एजाज की रोती बिलकती आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर ये आवाज सुनाई देना बंद हो गई। कुछ देर बाद कोकी अश्कबार आंखों के साथ ऊपर आई। उसने रुस्तम और शानी को नीचे की सूरत हाल बताई और इसके साथ ही ये खबर भी दी कि चौधरी एजाज को अस्पताल ले जाया गया है। क्या हुआ उन्हें, शानी ने घबरा कर पूछा। खड़े खड़े गिर गए हैं, दाईं टांग और बाजू बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे। अल्लाह खैर करे, लगता है कि, वो कहते कहते खामोश हो गए। तुम्हारा मतलब है फालिज? ऐसा ही लगता है, कोकी ने कहा। खालू एजाज एक नहायत बुरे रूप में सामने आए थे। कुछ अरसे से उनका किरदार हद दर्जा साजिशी रहा था और अब इसके ठोस सबूत भी मिल चुके थे। शानी के दिल में उनके लिए इज्जत तो नहीं रही थी, मगर उनके लिए नफरत वो अब भी अपने दिल में नहीं उभार सकी थी। शायद नफरत करना उसके बस में ही नहीं था। वो वॉशरूम में चली गई। उसकी आंखों से गर्म आंसू उमड़ पड़े। उसके दिल से आवाज निकली, या अल्लाह रहम, खताकारों की खताएं माफ फरमा, तू माफ फरमाने वाला है। मैं अपने लिए और खालू एजाज के लिए तुझसे माफी मांगती हूँ। कुछ देर आंसू बहाने और मुंह धोने के बाद वो बाहर निकली तो रुस्तम फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ था। उसके चेहरे पर हैजानी कैफियत थी। चंद सेकंड बाद उसने फोन बंद किया और शानी से मुखातिब होकर धीमी आवाज में बोला, शानी मामला गड़बड़ हो गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। कि क्यों, क्या हुआ? शायद कुछ देर में पुलिस यहाँ पहुंच जाए। शादाब के जो साथी बेहोश लड़की को लेकर अस्पताल गए थे, उन्होंने वहां बता दिया है कि शादाब और इस लड़की के साथ क्या हुआ है। उन्होंने शादाब के मरने का जिक्र भी कर दिया है। पुलिस पार्टी कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी। आपको ये सब कुछ किसने बताया है? राजू ने, वो अस्पताल की इमरजेंसी से फोन कर रहा था। सिर्फ 10-15 मिनट बाद ही रुस्तम और शानी इस कोठी से निकलने के लिए तैयार थे। कोकी रुस्तम के लिए ताओ हशाम का एक जोड़ा ले आई थी। ये बोस्की की लंबी कमीज और सफ़ेद तहबंद पर मुश्तमिल था। साथ में सफ़ेद पगड़ी भी थी। ये लिबास रुस्तम को ना सिर्फ पूरा आ गया बल्कि उसके जिस्म पर सजा भी। शानी के लिए सुंबल ने अपना एक जर्ग बर्ग जोड़ा दे दिया। गालिबन ये कामदार जोड़ा उसने कोकी की शादी पर पहना होगा। एक अटैची केस में रुस्तम ने क्लाशनकोफ, उसके राउंड और बकाया दो दस्ती बम रख लिए। कोकी उन दोनों को रोकना चाहती थी, मगर रुस्तम और शानी जानते थे कि अब यहाँ रुकना शदीद खतरे को दावत देना है। पुलिस किसी भी वक्त इस कोठी में दंदना सकती थी। वक्त रुखसत कोकी शानी से लिपट गई और हिचकियों से रोने लगी। इतनी छोटी मुलाकात, अभी तो हमने आपको ठीक से देखा भी नहीं था, वो बार बार कह रही थी। राजू का एक मुलाजिम मोटर रिक्शा ले आया था। रुस्तम और शानी रिक्शा पर बैठे और रवाना हो गए। अब सुबह के 9 बज चुके थे। सड़कों पर ट्रैफिक का अजदहाम था। स्कूलों, दफ्तरों और कारखानों में जाने वाले लोग एक तेज रो सैलाब की तरह लाहौर की सड़कों पर उमड़ आए थे। वो अपनी अपनी सिमत में बह रहे थे, एक दूसरे से बेखबर, अपनी ही धुन में मगन। और उनके दरमियान रुस्तम और शानी थे। दूसरों की तरह वो भी चल रहे थे, लेकिन वो दूसरों की तरह नहीं थे। उनका रास्ता मुख्तलिफ था, उनकी मंजिल जुदा थी। उनके सीनों में आग थी और उनके पीछे मौत थी। बिछड़ जाने वाले साथियों का गम उनको अंदर से मसमार कर रहा था
और आने वाली घड़ियों की खौफनाक संगीनी उनकी धड़कनों में इजाफा कर रही थी। हाँ, वो दूसरों के साथ चल रहे थे, लेकिन दूसरों की तरह नहीं थे। रुस्तम के बाजू से लगे लगे शानी ने एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा, कितना अच्छा होता आज वो दोनों भी घर से नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम पर जाने के लिए निकले होते, या फिर रावी के किनारे गुलशन इकबाल के सरसब्ज मैदानों में, या शालामार बाग की पुरसकून छाँव में कोई खुशगवार मसरूफियत उनकी मुंतजर होती। ये लाहौर की भरी पूरी सड़कों पर अफरा तफरी की घड़ियां थी, और ये अफरा तफरी शानी और रुस्तम के लिए मुफीद थी। इस वक्त उन्हें कोई खास नाका भी नजर नहीं आया, सिर्फ जीन मंदिर और दाता दरबार के पास चंद पुलिस वालों पर निगाह पड़ी। जल्दी वो रावी के पुल पर पहुंच गए। वो रिक्शा छोड़ दिया। यहाँ बैरूनी शहरों को जाने वाली बसें एक दो मिनट का स्टॉप करती थी। रुस्तम और शानी भी फौरन मियांवाली जाने वाली एक बस पर सवार हो गए। वो दोनों देखने में नौ ब्याहता जोड़ा ही लगते थे। शानी का चेहरा चमकीले किनारों वाली शॉल के घूंघट में छुपा था। रुस्तम भारी भरकम पगड़ी और लट्ठे के खड़खड़ाते तहबंद के साथ देहाती पंजाब का घबरू जवान दिखाई देता था। अटैची केस भी शोख रंग का था और नौब्याहता जोड़े के किरदार में रंग भरता था। ये बात सिर्फ शानी जानती थी कि इस वक्त रुस्तम की टांग में शदीद तकलीफ है। ये रुस्तम की बर्दाश्त थी कि ये तकलीफ उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी और न उसकी चाल से। रुस्तम और शानी को पिछली निशस्तों पर जगह मिली। ये बस एक्सप्रेस नहीं थी, ताहम ये ज्यादा स्टॉप भी नहीं कर रही थी। खिड़कियां खुली थी, तेज हवा अंदर आ रही थी। रुस्तम ने मौके से फायदा उठाते हुए अपनी पगड़ी का चौड़ा पल्लू मुंह के आगे कर लिया। अंदाज वही था जो लोकल बसों के मुसाफिर गर्दो गुबार से बचने के लिए अख्तियार करते हैं। रुस्तम की बगली जेब में भरा हुआ पिस्तौल था और ये मुसलसल शानी की पुश्त से चुभ रहा था। इस चुभन में इत्मीनान और तहफ्फुज़ का बेपनाह एहसास भी था। हम कहाँ जाएंगे रुस्तम? शानी ने घूंघट की ओर से सरगोशी की। जहन में कोई खास जगह तो नहीं है, फिलवक्त लाहौर से जितनी दूर चले जाएं उतना ही अच्छा है। आपकी टांग में ज्यादा दर्द तो नहीं? आपने याद कराया है तो याद आया है, मैं बिल्कुल भूला हुआ था, रुस्तम ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं जानती हूँ आप छुपा रहे हैं, शानी ने कहा और शॉल के अंदर से ही अपना हाथ रुस्तम के घुटने पर रख दिया। वो शॉल के अंदर से ही होले होले उसके घुटने को दबाने लगी। शानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रुस्तम ने उसका हाथ रोकना चाहा। शानी नहीं रुकी। उन लम्हों में उसका दिल चाह रहा था वो रुस्तम का सारा दर्द अपनी पलकों से चुनकर अपने जिस्म में उतार ले, उससे लिपट जाए और उसका हर दुख हर आंसू अपने अंदर जज्ब कर ले। खौफ, उम्मीद और बेयकीनी के झोंकों के दरमियान उनका सफर जारी रहा। एक मौके पर दो पुलिस वाले बस में सवार हो गए, ताहम उनकी हैसियत सिर्फ मुसाफिरों की थी। जब तक वो सरगोधा के करीब बस से उतर नहीं गए, शानी और रुस्तम तनाव की कैफियत में रहे। बस में एक दो अखबार भी चकरा रहे थे। रुस्तम ने एक करीबी मुसाफिर से अखबार लिया और उस पर बज़ाहिर सरसरी नजर डाली। ये दोपहर का अखबार था, उसमें भी गुलबर्ग के पुलिस मुकाबले की खबर मौजूद थी। रुस्तम और अजमल खान की तस्वीरें भी छपी थी। उन तस्वीरों को देखकर शानी को एक तरह के अदम तहफ़ का एहसास हुआ। पुलिस की तरफ से एक बार फिर जोर देकर कहा गया था कि मफरूर मुलजिम बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एक उम्मीद अफजा बात यह थी कि शानी और रुस्तम के अलहदा से फरार होने का जिक्र खबर में मौजूद नहीं था। शानी ने कहा, रुस्तम मुझे नासिर जरी और जहांगीर की बहुत फिक्र है, उनका क्या बनेगा? हो सकता है वो हमसे अच्छी पोजीशन में हो, हमसे बुरी पोजीशन में भी तो हो सकते हैं, कहीं ठिकाने पर पहुंच जाए फिर उनसे रब्ता करने की कोशिश भी करते हैं, रुस्तम ने कहा। मियांवाली के वसीओ अरीज बस अड्डे से वो एक दूसरी बस में सवार हुए और करीबन दो घंटे के पुरअंदेश सफर के बाद ईसा खेल पहुंच गए। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था, लेकिन ये तकाजे अंदेशों के शोर में दबे हुए थे। वो जानते थे कि उनके चारों तरफ मौत के साए रिंग रहे हैं। ईसा खेल के बस अड्डे पर चंद पुलिस अहलकारों की कड़ी नजरों से बचते हुए वो एक लोकल टैक्सी में बैठे। ईसा खेल का एक अलग थलग कस्बा रुस्तम को आर्जी कयाम के लिए मुनासिब महसूस हो रहा था। रुस्तम ने शानी को बताया कि अंदर के बाजार में एक ठिकाना उसका देखा भाला है, वो एक दो दिन के लिए वहां रह सकते हैं। यह सुल्तान रजा होटल था। रुस्तम ने टैक्सी सीधी सुल्तान रजा होटल के सामने रुकवाई और शानी के साथ अंदर चला गया। इस तीन मंजिला होटल के कमरे साफ सुथरे थे और माहौल भी बेहतर लगता था। होटल का मोटा सा सुस्तुल वजूद मैनेजर रुस्तम को जानता था, मगर रुस्तम की हैसियत से नहीं। उसने रुस्तम को चौधरी जलाल कहकर मुखातिब किया और उससे जमीनों के भाव और 10 मरला कोठियों पर आने वाली लागत वगैरह पूछी। जल्द ही रुस्तम और शानी दूसरी मंजिल के एक आरामदेह कमरे में थे। अजमल खान और दुराज की मौत का दुख तो एक लम्हे के लिए भी शानी से जुदा नहीं हुआ था। ताहम होटल के कमरे में पहुंचकर इस दुख को आंखों की राह मिली और शानी ने बिस्तर की चादर में चेहरा छुपाकर देर तक आंसू बहाए, यहाँ तक कि उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया और वो आइंदा के बारे में सोचने लगी। बेड के दूसरे सिरे पर रुस्तम मौजूद था और वो भी शायद इसी बारे में सोच रहा था। उसने क्लाशनकोफ अटैची केस में से निकालकर बिस्तर के नीचे रख ली थी। भरा हुआ पिस्तौल उसके तकिए के नीचे रखा था। शानी बिस्तर पर खिसक कर थोड़ा सा आगे गई और नींद दराज रुस्तम के बाजू से लग गई। उसके मजबूत सीने पर सर रखकर शानी को लगा कि मरना बहुत आसान है। मरने का खौफ तो हर जी रूह में मौजूद होता है, शानी में भी मौजूद था, मगर जब से वो रुस्तम के करीब थी उसे मौत के मायने बदले हुए महसूस होते थे।
रुस्तम ने बड़ी नरमी से अपनी उंगलियां शानी के सर के रेशमी बालों में दाखिल कर दी। शानी ने खोई खोई आवाज में कहा, रुस्तम यकीन नहीं आ रहा कि पिछले दो दिन में हमने इतनी मौतें देखी हैं, और आखिर में शादाब की मौत और खालू एजाज पर फारिस का हमला। रुस्तम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शादाब जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा था वो आम तौर से इसी तरह के अंजाम पर खत्म होती है। अपनी कोठी पर उसने अय्याशी का अड्डा बना रखा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहां उसने मॉडल लड़कियां जमा की हुई थी, उनसे किसी शैम्पू के लिए इश्तिहारी फिल्म वगैरह बनवा रहा था, मगर मुझे यकीन है कि ये सब ऐश करने का ढकोसला था। ये लड़की जो इसके साथ ही बेहोश होकर लाहौर पहुंची है, ये उन मॉडल लड़कियों में शामिल थी। ये बहुत शर्मा रही थी। बाकी लड़कियां शादाब को मशवरा दे रही थी कि वो इसकी शर्म उतारने के लिए इसे कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाए। घुमाने फिराने का एंड ये हुआ है जो आज सुबह हमने देखा है, शानी ने कहा। मुझे यकीन है रुस्तम, इस लड़की और शादाब के साथ जो कुछ हुआ है इसमें सबगंदल का भी दखल है। शादाब का चेहरा और लड़की का चेहरा देख कर ही मुझे अंदाजा हो गया था। नारपुर की हवेली में मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है महर जी, और अकबरे के चेहरे आज तक मेरी नजरों में घूमते हैं। ये सबगंदल इंसान को हैवान बनाती है और सूरतों को बिगाड़ कर रख देती है। शानी की आंखों में वो बीता हुआ मंजर घूम गया जब नारपुर की हवेली में मेहर का मुलाजिम खास अकबरा सबगंदल के नशे में चूर शानी पर हमला आवर हुआ था। वो कयामत के लम्हे मर कर भी शानी के हाफजे पर नक्श रहना थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, शानी ने कहा, शादाब ने तो सबगंदल इस्तेमाल की होगी, मगर इस लड़की ने क्यों की? हो सकता है शादाब ने इसे जबरदस्ती करा दी हो, ऐसे लोग हर हद तक चले जाते हैं। आपने देखा ही होगा, लड़की के चेहरे और जिस्म पर नील थे, उसे बुरी तरह नोचा खसूटा गया था, उस पर सख्ती की गई थी। शानी की निगाहों में बेहोश लड़की का सरापा घूम गया और वो कांप गई। वाकई उसका जिस्म इंसानियत सोच सलूक का गवाह था। वो बड़ी कराहत से सोचने लगी, ऐसा क्यों होता है मर्द और औरत का इंतहाई खूबसूरत और दिलनवाज ताल्लुक ऐसा रुख क्यों इख्तियार करता है? वो रुख जिसमें खुशी के बजाय तकलीफ, मोहब्बत के बजाय नफरत और बिलाखिर सरशारी के बजाय नदामत होती है। उसे चौधरी फाखिर याद आया, कासिम बरलास याद आया और चौधरी बशीर याद आया। वो बेसाख्ता रुस्तम के बाजू से कुछ और भी चिमट गए। वो भी मर्द थे और रुस्तम भी एक मर्द था, मगर कितना फर्क था रुस्तम में और उनमें। वही फर्क जो खुशबू और बदबू में होता है, जो जहर और अमृत में होता है। उसने रुस्तम के सीने से सर टिकाए टिकाए अपनी आंखें बंद की और अजीब लहजे में बोली, रुस्तम जिंदगी पर से मेरा ईमान उठ चुका था। मुझे हर मर्द के चेहरे में फाखिर का चेहरा नजर आता था, आंखों से शोले बरसाने वाला, जानवर की तरह औरत पर झपटने वाला, उसे रोंदने वाला और अपने गंदे बोझ से उसका दम रोकने वाला। मैं मर्द के साय से भी नफरत करने लगी थी, मगर फिर मुझे आप मिले, मुझे पता चला कि तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। ऐसे मेहरबान हाथ भी होते हैं जो जिस्म को छू लें तो मुर्दा तन जिंदा हो जाते हैं। ऐसी प्यार भरी नजरें भी होती हैं जिनको महसूस करके अपने औरत होने पर फख्र होने लगता है। आप मेरे मसीहा हैं रुस्तम, मुझे एतराफ़ करने दें कि आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है, और आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका आपको पता नहीं। मुझे सब पता है रुस्तम, प्लीज़ आज आप सिर्फ मेरी बात सुने। वो आंखें बंद किए उसी दिलगुदास लहजे में बोली, आज आप वादा करें कि आप कभी मुझसे जुदा नहीं होंगे, एक घड़ी के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, आप मुझसे वादा करें, प्लीज़ रुस्तम वादा करें। वो रुस्तम से पेवस्त हो गई, उसका रुखसार रुस्तम के सीने में धंस रहा था। नीचे किसी सड़क से कोई एम्बुलेंस या पुलिस मोबाइल सायरन बजाती हुई गुजर गई। रुस्तम ने शानी के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, तो आप भी मुझसे एक वादा करें। बोलें, आपने खुद कहा था कि जिंदगी कैसी भी हो जिंदगी होती है, आप वादा करें कि अगर आपको जिंदा रहने का मौका मिला तो आप जिंदगी को ठुकराएंगी नहीं। ये वादा तो आपको भी करना चाहिए। ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ, लेकिन शर्त तो यही है ना कि अगर जिंदा रहने का मौका मिला तो, और ये शर्त बहुत कड़ी है मेरे लिए। रुस्तम के मोबाइल फोन की बेल हुई। वो बहुत देर तक हेलो हेलो करता रहा, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। इससे पहले वो खुद भी जहांगीर से रابطے की बहुत कोशिश करता रहा था, मगर कामयाबी नहीं हुई थी। शानी जानती थी वो नासिर और जहांगीर के लिए बहुत परेशान है, और इससे भी ज्यादा आपो जाहिदा के लिए, क्योंकि वो एक औरत थी और उसके साथ एक कम उम्र बच्चा था। वेटर से कहकर रुस्तम ने नीचे बाजार से मरहम पट्टी का सामान मंगवाया। रुस्तम के बहुत मना करने के बावजूद शानी ने अपने हाथों से उसकी टांग की बैंडेज की। ऐसा करते हुए उसकी अपनी जख्मी उंगलियां भी तकलीफ से ऐंठती रही, मगर इस तकलीफ में ऐसी लज्जत थी जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। उसका जी चाह रहा था कि उसका सारा जिस्म ऐसी ही तकलीफ से भर जाए। वो रुस्तम के जख्मों पर मरहम रखते रखते अपनी जान से चली जाए। मरहम पट्टी के बाद उसने रुस्तम का सूजा हुआ पांव अपनी गोद में रखा और उसे होले होले दबाने लगी। उसकी नर्म गुदास हथेलियां जैसे रुस्तम के तलबे को चूम रही थी। रुस्तम ने उसे रोकना चाहा, मगर वो उसकी बात काट कर बोली, प्लीज रुस्तम मुझे ना रोकें। उसके लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि रुस्तम के होंठ सेल गए। रात तीसरे पहर रुस्तम तो सो गया,
लेकिन शानी जागती रही एक पहरेदार की तरह। वो रुस्तम के इर्द गिर्द मौजूद रही, फिर उसने मुसल्ला बिछाया और खुदा के हुजूर सरबसजूद हो गए। वो उन प्यारों के लिए दुआ मांगती रही जो पिछले चंद दिनों में उनसे जुदा हो गए थे। डोला, अजमल, दुराज, सकीना, सबके नाम उसकी जबान पर आए और दुआ बन गए। फिर वो उन साथियों के लिए खैर मांगने लगी जो जिंदा थे, मगर उन दोनों ही की तरह मौत के घेरे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और तो और, शानी की इस नीम शब की दुआ में खालू एजाज भी शामिल हो गया। खालू एजाज ने जो कुछ किया था वो एक जहरीले तीर की तरह शानी के सीने में पेवस्त था, मगर वो तो तीर मारने वाले कभी बुरा नहीं चाह सकती थी, ये उसके बस में ही नहीं था। अगले रोज उन्होंने कमरे में ही नाश्ता किया। शानी की ख्वाहिश थी कि वो और रुस्तम शदीद जरूरत के वक्त ही कमरे से निकले। दोपहर का खाना भी कमरे में ही खाया गया। दोपहर के वक्त रुस्तम ने वेटर से अखबार मंगवाया, ये लाहौर एडिशन नहीं था और इसमें रुस्तम और शानी की दिलचस्पी की कोई खबर मौजूद नहीं थी, बस अंदर के सफों में एक छोटी सी इतला मौजूद थी, जहरीली ताकत बख्श दवा खाने से नौजवान सनतकार हलाक, उसके साथी अस्पताल में दाखिल। इस इतला से अंदाजा होता था कि शादाब की साथी मॉडल गर्ल बच गई है। खबर में सबगंदल के हवाले से किसी किस्म की तफसील मौजूद नहीं थी। शानी और रुस्तम की अगली शब भी शदीद गम और कर्ब के आलम में गुजरी। रुस्तम की टांग की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, घुटने से नीचे पूरी टांग में वर्म आ गया था। शानी मुसलसल रुस्तम की देखभाल कर रही थी। तीसरे रोज सुबह 9 बजे के लगभग उन्हें पहली अच्छी खबर मिली। रुस्तम के मोबाइल फोन की घंटी बजी, उसने कॉल रिसीव की और बुरी तरह चौंक गया। ये नासिर की आवाज थी। हेलो नासिर, कहाँ हो तुम? रुस्तम टांग की परवाह किए बगैर बिस्तर से खड़ा हो गया। आप कहाँ हैं भाई? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, तुम अपना बताओ। आप जाहिदा और जरी कहाँ हैं? वो सब खैरियत से हैं, नासिर की आवाज लरज रही थी। तुम लोग लाहौर में हो? नहीं भाई, लाहौर से बहुत दूर हैं। आप समझे कि रहमत के दो फरिश्ते हमें मिल गए हैं, ये हमें लाहौर से उठाकर करम एजेंसी के आजाद इलाके में ले आए हैं, अफगान बॉर्डर के बिल्कुल पास। लगता है कि अब हम खतरे से बाहर हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या वाकई ऐसा हुआ है? 100% भाई, मैं फोन पर आपको इस जगह का नाम बताना नहीं चाहता, बस आप समझें कि वहां से अफगान बॉर्डर साफ नजर आता है। थोड़ी सी कोशिश के साथ हम बॉर्डर पार कर सकते हैं। रुस्तम ने इस हवाले से नासिर को थोड़ा सा मजीद कुरेदा तो नासिर ने खरलाची के नवाह में किसी खुश्क नाले और 3 पहाड़ों का जिक्र किया। उन दोनों की गुफ्तगु से शानी को अंदाजा हुआ कि वो और नासिर पहले भी उस सरहदी इलाके में जा चुके हैं। अब तुम किस जगह से बात कर रहे हो? मैं 18-20 मील पीछे पारा चनार के कस्बे में आया हुआ हूँ, सिर्फ आपको फोन करने के लिए। पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ है। तुमने बताया नहीं, तुम्हें यहाँ लाने वाले लोग कौन हैं? फोन पर उनके बारे में बताना भी मुनासिब नहीं, कोई इशारा दो। नासिर चलम है खामोश रहा, फिर उसकी भराई हुई आवाज उभरी। भाई, उन रहमत के फरिश्तों को भेजने वाला वही है जिससे इकबाल टाउन में आपका झगड़ा हुआ था, आपका दिल दुखा था और उसका भी। शायद आपने दिल ही दिल में उसे बेवफा भी जाना हो, उसकी दोस्ती पर शक भी किया हो, आप समझ रहे हैं ना? रुस्तम के जहन में झमाका सा हुआ। अपने रूठे यार हाजी हयात का चेहरा उसकी निगाहों में घूमा, दिल में एक लहर सी उठी। कल रात ही वो हाजी को याद करता रहा था और सोचता रहा था, क्या वो अपना रास्ता हमेशा के लिए जुदा कर चुका है? क्या इन मुश्किल तरीन घड़ियों में भी वो मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखेगा? आज इसका जवाब मिल गया था और इतने अच्छे तरीके से मिला था कि रुस्तम खुशगवार हैरत के समंदर में डूब गया था। ये बहुत अहम और बेहद तसल्ली बख्श खबर थी। उसके साथ ही बखैरियत थी। रुस्तम ने यकाएक खुद को हवा की तरह हल्का फुल्का महसूस किया। उसे यकीन था कि नासिर ने खैरियत की जो इतला दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप चुप क्यों हो गए? फोन पर नासिर की आवाज उभरी। ये सब कैसे हुआ? मैं आपको फोन पर तफसील नहीं बता सकता, यूं समझ लें कि कुदरत को हमारी सलामती मंजूर थी। हम लाहौर से निकलने के बाद सुजुकी की लोटर पर गुजरांवाले की तरफ जा रहे थे कि फोन पर उन लोगों से रابطہ किया। उसके बाद सब कुछ उन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया है। कोहार्ट रोड पर एक नाके पर गोली भी चली जिसमें हमारा एक मददगार जख्मी हुआ। आप मिलेंगे तो तफसील बताऊंगा। अब क्या इरादे हैं? हमारे मददगार आपसे रابطہ करना चाहते हैं, वो आपको भी हिफाजत से यहाँ पहुंचाने का इरादा रखते हैं। आप इस वक्त कहाँ हैं? रुस्तम के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी। जब तुम फोन पर अपने ठिकाने का नहीं बता सकते तो मैं कैसे बताऊं? आप भी कोई इशारा दे दें। मेरे सारे इशारे तो उसी बंदे की तरफ जाते हैं जिससे मैंने हिसाब किताब करना है। रुस्तम का मतलब डिप्टी रियाज से था। उसके लहजे में अजीब वहशत थी। दूसरी तरफ नासिर खामोश हो गया। वो रुस्तम के दिल का भेदी था। वो समझ गया कि रुस्तम किसी सूरत हाजी हयात और उसके साथियों को अपना ठिकाना नहीं बताएगा। हाजी हयात से रابطہ हो जाता तो फिर वही कजिया छुड़ जाता। हाजी ने इस बात पर जोर दिया था कि रुस्तम वक्ती तौर पर रूपोश हो जाए, डिप्टी से बदले का ख्याल दिल से निकाल दे, और ये रुस्तम को किसी तौर कबूल नहीं था। रिसीवर से नासिर की बोझल आवाज उभरी। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं भाई, आपने कहा था यह मुश्तरका लड़ाई है, आप अकेले नहीं लड़ेंगे। लड़ाई तो एक ही है यार, समझो कि मोर्चे अलहदा अलहदा हैं,
तुम पर मेरा साथ हो, मेरी बहन और भांजे की जिम्मेदारी है। तुम अपने मोर्चे पर डटे रहो। मैं भी अगर सुरखुरू हो गया तो तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। नासिर खामोश था, शायद अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने मुख्तसर अल्फाज में रुस्तम को बताया कि आपो जाहिदा और छोटा सरमद उनके साथ नहीं है। उन दोनों को पहलवान ने गुजर खान के करीब भाई इकराम के सुपुर्द कर दिया था। उसने बताया कि भाई इकराम और पहलवान के दरमियान रब्ता था और भाई इकराम पहले से उनका इंतजार कर रहा था। ये खबर रुस्तम के लिए इत्मीनान बख्श थी। कुछ देर इस बारे में बात हुई, फिर रुस्तम ने मौजू बदलते हुए कहा, अब तुम्हारे मददगार कहाँ हैं? आस पास ही हैं, नासिर ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया। उनमें से एक वापस चला गया है, उसने दावा किया है कि रंगबली में उसका एक करीबी साथी मौजूद है और हवेली में आता जाता है। वो कोशिश करे तो मुन्ने को भी हवेली से निकाल कर यहाँ लाया जा सकता है। मुन्ने की बात करते करते नासिर को जैसे एकदम शानी का ख्याल आया, वो बोला, भाभी कहाँ है? वो मेरे साथ ही हैं, 100% खैरियत से हैं। बात कर सकता हूँ? रुस्तम ने फोन शानी की तरफ बढ़ाया। शानी ने हेलो ही कहा था कि दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रुस्तम ने फोन शानी से वापस ले लिया और बोला, अच्छा ब्रदर, कोई आया है, मौका मिला तो दोबारा बात करेंगे। इसके साथ ही उसने फोन बंद कर दिया। कौन? रुस्तम ने दरवाजे के पास जाकर पूछा। मैं जी वेटर गुलजार, मदम आवाज उभरी। रुस्तम ने चंद लम्हे सोचा, फिर पहलू टटोल कर पिस्टल की मौजूदगी का यकीन किया और दरवाजा खोल दिया। सामने वेटर गुलजार बतीसी निकाले खड़ा था। उसके अकब में एक और सांवला सा शख्स था। वेटर गुलजार बोला, ये डिस्पेंसर माजिद है जी, मेरा पुराना दोस्त है, सामने बाजार में इसकी डिस्पेंसरी है। आपको चोट छोट लगी है ना? मैंने कहा शायद आपको जरूरत हो। रुस्तम ने खुश्क लहजे में कहा, अगर जरूरत होती तो मैं खुद कह देता। माफी चाहता हूँ जी, लेकिन मुझे आपकी फिक्र थी। रुस्तम को लगा शायद उसने इजाफी टिप के लालच में ऐसा किया है। अमूमन होशियार वेटर इस तरह के काम करते रहते हैं। डिस्पेंसर के हाथ में एक शॉपर था जिसमें मरहम पट्टी का मुकम्मल सामान मौजूद था। अब चूंकि वो आ ही गया था, रुस्तम ने उन दोनों को अंदर बुला लिया। ऐन मुमकिन था कि डिस्पेंसर बेहतर तौर पर उसकी पिंडली की मरहम पट्टी कर सकता। डिस्पेंसर मकामी तर्ज के लिबास में था। शानी सात तले कमरे में थी, मगर रुस्तम जानता था कि वो इस कमरे में होने वाली सारी गुफ्तगू सुन रही है। रुस्तम ने डिस्पेंसर को अपनी मुतासिरा पिंडली दिखाई। यहाँ क्या हुआ है जनाब? उसने रुस्तम को तेज नजरों से घूरते हुए पूछा। बस चोट लग गई है, तुम ज्यादा सवाल जवाब ना करो, पट्टी खोल कर जख्म देखो और कुछ कर सकते हो तो करो। डिस्पेंसर रुस्तम की पट्टी खोलने में मसरूफ हो गया। यकायक रुस्तम उसके मुतालिक शक में मुब्तिला हो गया। यूं लगा कि डिस्पेंसर होने के बावजूद उसे पट्टी खोलनी नहीं आती। वो पट्टी को साथ साथ रोल करने के बजाय बिखेरता जा रहा था। रुस्तम ने उसे कड़ी नजरों से देखा। यकायक उसे खतरे का शदीद एहसास हुआ। उसे डिस्पेंसर का एक पहलू काफी भारी महसूस हुआ, शायद कुर्ते के नीचे शलूके में कोई हथियार था। रुस्तम के चौंकने को गालिबन डिस्पेंसर ने भी महसूस कर लिया था। वो तेजी से उठते हुए बोला, पट्टी बिल्कुल चिमड़ी हुई है, मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ जनाब। वो तेजी से वापस मुड़ा, लेकिन वो रुस्तम से ज्यादा तेजी नहीं दिखा सकता था। रुस्तम के दिल ने गवाही दी कि ये डिस्पेंसर नहीं, सादा कपड़ों में पुलिस वाला है, और अगर एक सेकंड की ताखीर हुई तो वो कमरे से बाहर होगा। रुस्तम ने लपककर उसकी गर्दन पकड़ ली। उस शख्स का हाथ बर्फ रफ्तारी से अपने पहलू की तरफ बढ़ा। शायद वो शलूके में अपना आतिशी हथियार निकालना चाहता था। अब शुभे की गुंजाइश मुतलक नहीं थी। रुस्तम ने बड़ी बेरहमी से उसका सर दीवार से टकराया। धम की जोरदार आवाज के साथ वो लड़खड़ा गया और घुटनों के बल गिर गया। इसके साथ ही रुस्तम की टांग की तूफानी जर्द वेटर गुलजार के सीने पर लगी। वो उछलकर बाथरूम के दरवाजे से लगा और दरवाजा खोलता हुआ अंदर जा गिरा। इस मौके पर शानी ने भी किरदार अदा किया। वो तेजी से सामने आई और उसने बाथरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी। मुबैना डिस्पेंसर को रुस्तम की दूसरी जर्ब अपनी गर्दन पर सहनी पड़ी। ये भारी पिस्टल की जर्ब थी। ये जर्ब उस शख्स के लिए काफी साबित हुई और वो पट से औंधे मुंह कालीन पर गिरकर साकित हो गया। रुस्तम ने उसके शलूके से रिवॉल्वर खींच लिया। अंदर वेटर दरवाजा पीट रहा था, बचाओ बचाओ, उसने दो बार जोर से कहा, मगर उसकी आवाज बाथरूम के मुख्तसर खला में ही गूंज कर रह गई। इसका ध्यान रखें शानी, रुस्तम ने बेसुध डिस्पेंसर की तरफ इशारा करते हुए कहा और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। बदहवास वेटर दरवाजा खोलते ही बाहर को भागा। वो 10 गुना तेजी भी दिखाता तो शायद रुस्तम से ना बच सकता। रुस्तम ने उसके पेट में घुटना रसीद किया। वो डकराता हुआ दोबारा बाथरूम में गिर गया। उसका सर पॉट के बिल्कुल करीब था। रुस्तम ने साइलेंसर लगे पिस्टल की नाल उसकी पेशानी से लगा दी। आवाज निकाली तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, वो हैजानी अंदाज में अपने सर को नफी में हिलाने लगा। उसका मुंह भाड़ की तरह खुल गया था, तोते जैसी नाक जर्द थी, जैसे उस पर रंग कर दिया गया हो। रुस्तम ने उसके सीने पर पांव रखा तो वो चिकने फर्श पर थोड़ा सा ऊपर को खिसक गया और उसका सर बाकायदा पार्ट के अंदर चला गया। उसने लरसते हुए हाथ जोड़े, खुदा का वास्ता मुझे गोली ना मारना, मेरा कोई कसूर नहीं। तो फिर मेरा कसूर है? ये तेरा बाप पुलिस वाला तेरे साथ क्यों आया है? नहीं, ये तो डिस्पेंसर है। अभी फिक्र वेटर के मुंह में ही था कि रुस्तम ने बेदरेख उसके मुंह पर पिस्टल की जर्ब लगाई। उसका दांत टूटने की आवाज आई, मुंह फट गया और खून पॉट में बह निकला। प्लीज रुस्तम, शानी की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। वो रुस्तम के अकब में थी।
शानी की निगाह को बाथरूम के खून आलूद मंजर से बचाने के लिए रुस्तम ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। वेटर अब बाकायदा रो रहा था। उसका सर बदस्तूर पॉट के अंदर था। रुस्तम ने पिस्टल का सेफ्टी कैच हटाया और फनकारा, देख मुझे एक एक लफ्ज सच बता दे वरना अभी तेरा मगज इस पार्ट में बहता हुआ नजर आएगा। वेटर खर्रांट और सख्त जान था मगर रुस्तम के लबो लहजे ने उसे चंद सेकंड में तोड़ दिया। वो घिर गया है। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई, आपको बाल बच्चे का वास्ता। ये पुलिस वाला है ना, रुस्तम ने पूछा। वेटर ने तेजी से असबात में सर हिलाया, और कितने बंदे हैं इसके साथ? अकेला है, मैं कसम खाता हूँ और कोई नहीं। रुस्तम ने एक और बेरहम ठोकर उसके मुंह पर मारी और पांव ऐन उसकी गर्दन पर रख दिया। इस प्यो को क्यों लाया है यहाँ? जवाब में वेटर ने हकलाते घिघियाते और खून थूकते हुए जो कुछ बताया उसका खुलासा ये था कि अखबार में रुस्तम की पुरानी तस्वीर देखकर और रुस्तम के जख्म के बारे में जानकर उसे कुछ शक हुआ था। उसे लगा कि शायद ये चौधरी जल्लाल ही वो नामी ग्रामीण डकैत है जिसे पंजाब पुलिस हर तरफ ढूंढती फिर रही है। फिर वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि इतना मशहूर मारूफ बंदा इस छोटे से शहर के इस छोटे से होटल के इस कमरे में हो और वो खुद उसे सर्विस मुहैया कर रहा हो। वो तजब्जुब में पड़ गया। उसका यह तजब्जुब रुस्तम के लिए फायदेमंद साबित हुआ। वेटर गुलजार ने थाने में इतिला देने या मैनेजर को बताने के बजाय अपने तौर पर अपना शक रफा करना चाहा। वो अपने इस दोस्त एएसआई को सब कुछ बताकर यहाँ ले आया ताकि वो रुस्तम से मिलकर कोई राय कायम कर सके। वेटर गुलजार की बात से रुस्तम को यकीन हो गया कि वो दुरुस्त कह रहा है मगर अब इस होटल से जल्द अज जल्द निकलना रुस्तम और शानी के लिए जरूरी हो गया था। रुस्तम ने गुलजार को गिरेबान से खींच कर पॉट में से निकाला और फ्लश करके उसका खून अंदर से साफ कर दिया। तुमने चू चरा भी की ना तो आज शाम तक तुम्हारी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी, रुस्तम ने सफाक लहजे में कहा। उसने जल्दी जल्दी असबात में सर हिलाया और बाथरूम के एक कोने में सिमट कर बैठ गया। रुस्तम ने बाथरूम का दरवाजा खोला और शानी से कहा, एक काम करें, अटैची में नायलोन की रस्सी पड़ी है वो मुझे दे। शानी तेजी से अटैची की तरफ बढ़ गई। रुस्तम का इरादा था कि गुलजार की मशकें कस के और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बाथरूम में बंद कर दे मगर जो कुछ हुआ इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि रुस्तम भी चकरा गया। गालिबन वेटर गुलजार का हद से बढ़ा हुआ खौफ ही उसके लिए मोहलिक साबित हुआ। रुस्तम की तवज्जा दो सेकंड के लिए शानी के हाथ में पकड़ी रस्सी पर मबजूल हुई। गुलजार कमान से निकले हुए तीर की तरह बाथरूम से बरामद हुआ और कमरे के बैरून दरवाजे की तरफ भागा। कुछ कहने या करने की मोहलत नहीं थी। साइलेंसर लगा पिस्टल रुस्तम के हाथ में था। उसने ट्रिगर दबाया, गोली गुलजार की गर्दन के पिछले हिस्से में लगी और खोपड़ी में घुस गए। वो पहले दरवाजे से टकराया फिर पहलू के बल कालीन पर गिरा। उसका सर बेहोश पड़े एएसआई के पांव में आया था। शानी की आंखें खुली रह गई थी और उसने एक हाथ से अपना मुंह मजबूती से दबा लिया था। गुलजार की गर्दन से उबलते खून ने चंद सेकंड में कालीन को दागदार कर दिया। ये क्या हुआ रुस्तम? शानी हकलाई। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। ये दस्तक अनगिनत अंदेशों को उभार गई। साइलेंसर लगे पिस्टल की आवाज तो ऐसी नहीं थी ये बाहर सुनी जा सकती। ऐन मुमकिन था ये गुलजार के दरवाजे से टकराने की आवाज ने किसी को मुतवजा किया हो या फिर ये गुलजार और एएसआई का कोई हमराज साथी ही हो। रुस्तम ने गुलजार का बेजान जिस्म घसीट कर दरवाजे के सामने से हटाया, शानी को साथ वाले कमरे में जाने का इशारा किया और क्लाशनकोफ बेड के नीचे से निकालकर बेड पर रख दी और ऊपर चादर डाल दी। दस्तक एक बार फिर हुई। कौन? रुस्तम ने पूछा। आप खैरियत से तो हैं जी? बाहर से एक शाइस्ता आवाज आई। रुस्तम ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उम्र 18-19 साल रही होगी। एक्सक्यूज मी भाईजान, कोई मसला तो नहीं है? अभी बहुत शोर हुआ है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं कुछ नहीं, मेरा पाँव फिसल गया था, रुस्तम ने मुख्तसर जवाब दिया। कैन आई हेल्प यू प्लीज, लड़के ने बड़े बाखलाक अंदाज में पूछा। नहीं शुक्रिया मैं ठीक हूँ, रुस्तम ने सपाट लहजे में कहा और लड़के की खोजते हुए नजरों से बचने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। इस जिंदगी से भरपूर हंसते मुस्कुराते लड़के को क्या मालूम था कि वो कितने मुहिब खतरे के सामने खड़ा है। उसका हल्का सा शक और उसकी थोड़ी सी दिलेरी उसे बेवक्त मौत के जबड़े में पहुंचा सकती थी। पता नहीं क्यों इस लड़के को देखकर रुस्तम को अपना माजी याद आ गया था। कभी वो भी तो इसी तरह जिंदगी और खुशी से भरपूर हुआ करता था। उसकी बातों से शहर टपकता था और उसकी आंखों से तवाना रोशनी फूटती थी। वो भी इसी तरह हर वक्त किसी का दुख बांटने के लिए तैयार रहता था मगर फिर वक्त ने उससे उसका सारा इखलाक, सारी मुस्कुराहट और सारी खुशी छीन ली थी। इसके बदले इसके हाथ में लहू टपकाता हुआ खंजर थमाया था और उसके पांव से भगोले बांध दिए थे। अगले 5 मिनट के अंदर अंदर रुस्तम और शानी इस कमरे को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रुस्तम ने क्लाशनकोफ एक बार फिर अटैची केस में रख दी थी। बेहोश एएसआई और मुर्दा हेड वेटर की लाश बाथरूम में पहुंचा दी गई थी। हेड वेटर गुलजार की मौत का शानी के साथ रुस्तम को भी अफसोस हुआ था मगर जो कुछ हुआ उसमें ज्यादा दखल गुलजार की गलती का था और ये उसकी पहली गलती नहीं थी। पहली गलती ये थी कि वो रुस्तम को शनाख्त करने के लिए फकत एक ढीले ढाले एएसआई को लेकर इस कमरे में घुस आया था। रुस्तम और शानी नीचे लॉबी में पहुंचे। रिसेप्शन पर मौजूद शख्स रुस्तम के हाथ में अटैची केस देखकर चौंका। आप जा रहे हैं चौधरी साहब? वो परेशान हो गया। नहीं अभी किसी काम से निकले हैं, शाम तक आ जाएंगे। इसके साथ ही रुस्तम ने चंद बड़े नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए।
ये रख लो, रसीद वापसी पर ले लूंगा। ओके जनाब। असिस्टेंट मैनेजर मुतमईन हो गया। रुस्तम और शानी दरवाजे की तरफ बढ़े तो वो खुशामदी लहजे में बोला, कमरे की सफाई करवा दूं जी? नहीं, जरूरत नहीं, रुस्तम ने कहा और आगे बढ़ गया। वो बिल्डिंग की साइड पर आए। यहाँ पार्किंग मौजूद थी। एक कतार में 10-12 गाड़ियां खड़ी थी। अब दिन के तकरीबन 11 बज चुके थे। चमकीली धूप निकली हुई थी। ये सितंबर की शुरुआत थी। फजा में गहरा हब्स मौजूद था। रुस्तम ने मुतलाशी नजरों से इर्द गिर्द देखा। एक अच्छी हालत की सियाह मर्सिडीज गाड़ी में उसे एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा नजर आया। वो शक्ल सूरत से ड्राइवर लगता था। गाड़ी पर लाहौर का नंबर था। रुस्तम आगे बढ़ा। उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अटैची केस पिछली निशस्त पर रख दिया। उसके बाद अगला दरवाजा खोलकर वो ड्राइवर के साथ बैठ गया। ड्राइवर नुमा शख्स हैरान नजरों से रुस्तम को देख रहा था। इसी दौरान शानी भी पिछले दरवाजे से गाड़ी में चली आई। रुस्तम ने गोल चेहरे वाले जवान साल ड्राइवर नुमा शख्स को देखते हुए कहा, ये देख, मेरी कमीज के नीचे भरा हुआ पिस्तौल है, लेकिन इस पिस्तौल से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर नुकसान पहुंचेगा तो तब, जब तू मेरी बात नहीं मानेगा। जवान साल शख्स का चेहरा एकदम हल्दी हो गया। उसने दरवाजा खोलने और बाहर निकलने के लिए इस तरारी हरकत की, मगर रुस्तम ने इतनी मजबूती से उसका बाजू पकड़ा कि वो पत्थर होकर रह गया। रुस्तम फिर फनकारा, देख, मैं अभी 5 मिनट पहले ऊपर कमरे में एक बंदा कत्ल कर चुका हूँ। अब तुझे मारना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं। जान बचानी है तो गाड़ी स्टार्ट कर और पार्किंग से निकल। रुस्तम के लबो लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि उस शख्स का हाथ फौरन गाड़ी के इग्निशन की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही वो बोला, मैं गरीब बंदा हूँ जी, मुझ पर रहम करो जी। तुम खुद पर रहम करोगे तो रहम ही होगा, बस चुपचाप चलते जाओ। उसने लरसते कांपते गाड़ी पार्किंग से निकाली और सड़क पर आ गया। रुस्तम ने देखा, वही लड़का जो थोड़ी देर पहले कमरे के दरवाजे पर मिला था, अब होटल के गेट पर खड़ा जूस वाले से अनार का जूस पी रहा था। उसका अपना रंग भी कंधारी अनार से मिलता जुलता ही था। जिंदगी और रानाई से भरपूर उसने खुशदिली से रुस्तम को सलाम किया। रुस्तम ने उसके सलाम का जवाब दिया और अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया। उसने भी हाथ हिलाया। रुस्तम को यूं लगा जैसे ये खुशबाश नौजवान किसी और दुनिया का वासी है और वो किसी और दुनिया का रहने वाला है, या फिर किसी और दुनिया की तरफ जा रहा है। ड्राइवर फिर हकलाया, सर जी, मुझको छोड़ दें जी, ये गड्डी जहाँ जी कड़े ले जाएं, मैं बिल्कुल शोर नहीं डालूंगा। शानी अकब में थी। ड्राइवर की आवाज और उसके डील डोलने उसे चौंका दिया। उसे एक भूला बसरा चेहरा याद आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? शानी ने पूछा। नौजवान ड्राइवर ने मुड़कर देखा और शानी के शुबे की तस्दीक हो गई। वो इस नीम अहमक से काफी अर्सा पहले मिल चुकी थी, जब वो लाहौर में कासिम बरलास और कासिम जैसे दूसरे शिकारियों से जान बचाती फिर रही थी तो रिक्शा ड्राइवर जिक्रिया के घर में पनाह गुजी हुई थी। उस चंद रोजा कयाम में इसका वास्ता लिफाफा मेकर जनते और उसके ऊल जलूल बेटे गुलाबे से पड़ा था। ये गुलाबा ही था। गुलाबे ने भी शानी को देख लिया था और अब उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके हमाकत माप चेहरे पर हैरत फैलती चली गई। तुम? वो हकलाया, सामने देखो उल्लू के पट्टे। रुस्तम धाड़ा। गुलाबे ने सामने देखकर तेजी से स्टेयरिंग घुमाया और पुराने मॉडल की मर्सिडीज एक नई निकोर होंडा कार का बोसा लेते लेते रह गई। तुम इनको जानते हो? रुस्तम ने गुलाबे से पूछा। नहीं, जी हाँ। जानते हो या नहीं? रुस्तम ने फनकार के पूछा। गुलाबे की आवाज जैसे उसके गले में ही फंस गई थी। उसके भद्दे होंठ हिल रहे थे मगर वो बोल नहीं पा रहा था। शानी ने कहा, हाँ रुस्तम, मैंने आपसे एक मरतबा लाहौर के रिक्शा ड्राइवर जिक्रिया का जिक्र किया था ना, ये उसी का बेटा है गुलाबा। मैं कुछ दिन इन लोगों के यहाँ रही थी। सलाम अलैकुम जी, सलाम अलैकुम। गुलाबे ने पीछे मुड़कर शानी की तरफ देखा और अपना कांपता हाथ माथे पर ले जाकर सलाम किया। ओए आगे देख बांदर के पुत्र। रुस्तम ने इस दफा बाकायदा गुलाबे की गर्दन पर झांपड़ मारा। गुलाबे ने एक बार फिर तेजी से स्टेयरिंग घुमाया और गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ते चढ़ते बजी। नौजवान गुलाबे की पेशानी पर पसीना धारों की सूरत बह रहा था। आंखों से नीचे पहुंचते पहुंचते इस पसीने में सुरमे की कुछ कालक भी शामिल हो गई थी। वो एक बार फिर घिर गया। मैंने आपको पहचान लिया है शहनाज बीबी, अब तो एक घर की बात ही निकल आई है। आप जानती हैं मैं बिल्कुल बुरा बंदा नहीं हूँ, आप मुझको माफी दे दें जी, मुझको जाने दे, ये गड्डी जहाँ मर्जी ले जाए। शानी के जहन में वो सारे मंजर घूम गए जिनका ताल्लुक रिक्शा ड्राइवर जिक्रिया के घर से था। गुलाबे की माँ जनते लिफाफे बनाती थी और अपने साथ शानी को भी इस काम पर लगाती थी। शानी के हवाले से जनते का रवैया माले मुफ्त दिले बेरहम वाला था। वो शानी को अपने ऊट पटांग बेटे यानी गुलाबे की बीवी बनाने की स्कीमें सोचने लगी थी। और बेटा यानी गुलाबा भी कौन सा काम था, वो अपनी अकल समझ के मुताबिक शानी को फांसने की कोशिशें करता था। गरम जलेबियों और पिस्ते बादाम का लालच देकर उसे ऊपर चौबारी में बुलाता था। आज बरसों बाद सरे रहा फिर गुलाबे से मुलाकात हुई थी। जिंदगी की शाहरा पर चलते हुए ऐसे ही शनासा लोग मिलते और ओझल होते रहते हैं। गाड़ी शहर से बाहर निकल आई थी और अब बनू की तरफ जाने वाली सड़क पर रवाना थी। शानी ने कहा, गुलाबे तुम तो रेहड़ी लगाते थे ना, ड्राइवरी कैसे शुरू कर दी? बस जी, गाजर सेब का मुरब्बा बेचते बेचते एक मोहल्लेदार की बेटी से मेरा विवाह हो गया।
मेरा ससुर एक सेठ की ड्राइवरी करता है, उसने मुझे भी ड्राइवरी दिला दी। ये तो लाहौर का नंबर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुस्तम ने पूछा। मेरा मालिक लकड़ी का काम करता है, हम टल से लकड़ी लेने गए हुए थे, बन्नू के रास्ते से वापस आए हैं, सुबह 4 बजे यहाँ पहुंचे हैं। मेरा मालिक थक गया था, उसके गुर्दे में पीड़ भी है, वो सोने के लिए होटल में चला गया, कहता था 7-8 घंटे आराम के बाद फिर आगे चलेंगे। उसने एक लम्हा तौकब किया, तब एक बार फिर फरियादी लहजे में बोला, मुझे जाने दे जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ओए हरामी, आगे ध्यान रख, रुस्तम ने एक बार फिर उसे डांटा। इस मर्तबा भी गाड़ी लहरा कर रह गई। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शानी ने पूछा। 3 जी, उसने यूं कहा जैसे जुर्म का एतराफ कर रहा हो। हो सकता है कि उसने शानी के दिल में रहम का जज्बा उभारने के लिए एक आध बच्चा ज्यादा बताया हो। शानी को उसकी हालत तरस आ रहा था, वो इतना घबराया हुआ था कि किसी भी वक्त किसी हादसे का सबब बन सकता था। इससे जितनी जल्दी जान छुड़ा ली जाती उतना ही अच्छा था। उसे यह डर भी था कि गुलाबी की बदहवासी की वजह से कहीं इसके साथ भी बेटर गुलजार जैसा वाकया पेश ना आ जाए। शानी ने गुलाबी से मुखातिब होकर पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे मालिक को गाड़ी गायब होने का पता कब तक चलेगा? गुलाबी ने पहले हवनों की तरह शानी का मुंह देखा, फिर बोला, मेरे ख्याल में शाम 5-6 बजे तक तो उनको सोना ही सोना है, उसके बाद ही वो कमरे से बाहर आएंगे। अगर हम तुम्हें छोड़ दें तो क्या करोगे? शानी ने अचानक पूछा। गुलाबी का चेहरा थोड़ा सा गुलाबी हुआ, वो बेसाख्ता बोला, आपको और आपके मियाँ को बेशुमार दुआएं दूंगा जी। फिर उसने सवालिया नजरों से शानी को देखा, जैसे तस्दीक चाहता हो कि उसकी शादी हो चुकी है। दुआओं के अलावा और क्या करोगे? रुस्तम ने खुश्क लहजे में पूछा। जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करूंगा, अगर 1 इंच भी इधर उधर हूं तो जो काले चोर की सजा वो मेरी। वो सीने पर हाथ रखकर बोला, जैसे अपनी ही कसम खा रहा हो। अगर हम कहें, अगर 1 दिन के लिए कहीं गायब हो जाओ तो? रुस्तम ने इस्तफसार किया। आप कहें तो 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाता हूँ जी, वो रुस्तम की तरफ देखे बगैर बोला। वो रुस्तम से सख्त खौफजदा नजर आता था। शानी जानती थी कि गुलाबा अंदर से कितना कमजोर और डरपोक है, उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो वाकई गायब हो जाएगा। शानी ने रुस्तम को इशारा किया, रुस्तम ने गाड़ी सड़क से उतरवा कर दरख्तों के दरमियान रुकवा दी। ये काफी महफूज जगह थी, सड़क पर भी ट्रैफिक खासा कम था। शानी और रुस्तम गाड़ी से बाहर निकल आए, गुलाबे को गाड़ी में ही रहने दिया गया। ताहम रुस्तम ने एहतियातन गाड़ी की चाबी इग्निशन में से निकाल ली थी। क्या करना है शानी? रुस्तम ने बाहर निकल कर पूछा। मेरे ख्याल में तो इसे छोड़ भी दें तो ये 1-2 दिन के लिए कहीं गायब हो जाएगा। ये अंदर से बहुत डरा हुआ है, इसे इस बात का यकीन हो गया है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने होटल में एक बंदे का खून किया है। लेकिन हमें ये रिस्क लेना नहीं चाहिए, बेहतर तो ये है कि इसे बेहोश करके कहीं फेंक दिया जाए। आपका मतलब है चोट वगैरह लगाकर? रुस्तम ने अजबात में सर हिलाया। शानी जल्दी से बोली, नहीं रुस्तम, ये बड़ा सादा दिल है और अंदर से बहुत कमजोर भी, हमें से ये तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर कहीं भूखा प्यासा पड़ा रहा तो, या किसी और मुसीबत का शिकार हो गया तो? इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा शानी, वैसे भी ये थोड़ी सी सख्ती इसके लिए अच्छी होगी, मालिकों को गाड़ी छीने जाने का यकीन आएगा। शानी को कायल करने के बाद रुस्तम और शानी दोबारा गाड़ी में आए। गुलाबी के चेहरे पर मुसलसल हवाइयां उड़ रही थी। जब रुस्तम ने नायलोन की रस्सी निकालने के लिए अटैची केस खोला और उसमें गुलाबी को सियाह रंग की खौफनाक क्लाशनकोफ नजर आई तो उसकी बाकायदा घिघी बंद गई। उसने शानी को फरियादी नजरों से देखा। शानी ने आंखों में उसे तसल्ली दी। रुस्तम ने सिर्फ 3-4 मिनट में गुलाबी की मशकें कस दी। जब उसने गुलाबी के मुंह में कपड़ा ठूंसने के लिए उसे मुंह खोलने को कहा तो उसने इतना ज्यादा मुंह खोला कि उसका तालू अंदर तक नजर आने लगा। रुस्तम ने कपड़ा ठूंस कर ऊपर से एक और रुमालुमा कपड़ा बांध दिया। गुलाबा हर हुक्म पर बिला चूनो चरा अमल कर रहा था। रुस्तम ने उसे साथ वाली निशस्त पर मुंतकिल किया और खुद गाड़ी ड्राइव करके दरख्तों के अंदर ही अंदर काफी आगे ले गया। यहाँ एक जोहड़ के किनारे खुदरू सरकंडों के दरमियान उसे एक जगह मुनासिब नजर आई। उसने गुलाबे को उठाकर वहां डाल दिया। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई जल्द ही गुलाबी तक पहुंच सकेगा। गुलाबा इस सूरत हाल पर मुतमईन नजर आता था। वो आंखों ही आंखों में रुस्तम और शानी को अपने भरपूर ताबुन और दोस्ती का यकीन भी दिला रहा था। गुलाबे के लिए शानी की हमदर्दी देखते हुए रुस्तम ने कुछ नोट गुलाबे की जेब में ठूंस दिए। शानी ने गुलाबे पर एक अलविदाई नजर डाली और रुस्तम के साथ गाड़ी में आ बैठी। रुस्तम ने दोबारा सड़क पर जाने के बजाय दरख्तों के अंदर ही अंदर कच्चे पक्के रास्ते पर सफर करना मुनासिब समझा। शदीद तरीन हब्स और गर्मी के बाद शुमाल की तरफ से अचानक बादल घिराए थे। ये बड़े स्याह बादल थे, उनके अंदर बिजली की तड़पती लकीरें थी और वह जोक दर जोक शुमाली उफक पर उमड़ते चले आ रहे थे। देखते ही देखते दिन में रात का समा हो गया। इर्द गिर्द के दरख्त, खेत और नशेबो फराज सब तारीकी में डूबते महसूस हुए। पहले कुछ देर हवा चली, फिर तेज बारिश होने लगी। रुस्तम और शानी ने गाड़ी की खिड़कियों के शीशे चढ़ा दिए और विंड स्क्रीन पर वाइपर हरकत करने लगे। जिंदगी में वाकयात ऐसे ही अचानक और बेतरतीबी से रोनुमा होते हैं। अभी कुछ देर पहले उन्हें एक अजनबी शहर में अजनबी लोगों के दरमियान गुलाबा मिल गया था और अब हब्स और गर्मी के बेकिनार सहरा में ताबड़तोड़ बारिश से मुलाकात हो गई थी। वो एक नीम पुख्ता रास्ते पर जा रहे थे, उनके इर्द गिर्द वीराना था।
बस कहीं कहीं गन्ने या चारे का कोई खेत दिखाई दे जाता था। वो कहाँ जा रहे थे उन्हें कुछ पता नहीं था, क्यों जा रहे थे ये भी पता नहीं था। रुस्तम के जहन में बस ये मोहूम सा ख्याल था कि वो शानी को किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दे। हमें कहाँ जाना है, शानी ने रुस्तम के कंधे से लगे लगे पूछा। यहाँ से शायद 10-15 मील दूर लकी नाम का कस्बा है, वहाँ मेरा एक पुराना वाकिफकार है, हो सकता है कि उसकी हवेली में 2-4 दिन के लिए ठिकाना मिल जाए। 2-4 दिन बाद क्या करेंगे, शानी खोए खोए लहजे में बोली। 2-4 दिन में सोच लेंगे कि क्या करना है, रुस्तम ने भी खोए खोए अंदाज में कहा। गाड़ी में काफ़ी फ्यूल मौजूद था। वो चलते रहे बारिश की बौछारों के दरमियान, झूमते दरख्तों के दरमियान और फर्राटे भरती हवा के दरमियान। बस कहीं कहीं उन्हें कोई बैलगाड़ी नजर आ जाती थी या ट्रैक्टर जिस पर मौजूद अफराद ने अपने पर पॉलीथीन की शीट वगैरह तान रखी होती थी। इस तूफानी बारिश में कहीं किसी पुलिस नाके या निगरानी वगैरह का इम्कान नहीं था। 10-12 मील चलने के बाद रुस्तम को महसूस हुआ कि एक कच्चा पक्का रास्ता पुख्ता सड़क तक नहीं पहुंच रहा है। वो उलझन महसूस करने लगा। रुस्तम, कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए, शानी ने उसके कंधे से लगे लगे पूछा। शायद, वो दाएं बाएं देखते हुए बोला, बारिश तो तेज़ होती जा रही है। आप ठीक कह रही हैं, शायद अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाए, रुस्तम ने कहा। शानी का सर रुस्तम के कंधे पर था, उसकी चमकीली शॉल का नकरई किनारा रुस्तम के घुटने पर फैला हुआ था। शानी खोए खोए अंदाज में बोली, रुस्तम कितना अच्छा हो अगर हम वाकई रास्ता भूल जाएं, कहीं बहुत दूर जा निकलें, किसी अनजानी जगह जहां से आगे कोई रास्ता निकलता ही ना हो, जहां हमेशा ऐसी ही बारिश होती रहती हो, ऐसे ही दिन में अंधेरा छाया रहता हो। आप बोलती हैं तो लगता है शायरी कर रही हैं, रुस्तम एक गुमशुदा आवाज़ में बोला। उनके सामने बिजली ज़ोर से चमकी और कड़ाके के साथ जैसे शीशम और गोंदी के दरख्तों को छूती हुई गुजर गई। शानी कुछ और भी रुस्तम के बाजू से पेवस्त हो गए। रुस्तम ने एक हाथ को स्टेयरिंग से हटाकर शानी के कंधे पर रखा और उसे अपने साथ लगा लिया। गाड़ी पानी की चादर में आगे बढ़ती रही। वो अपनी अपनी जगह सोचते रहे कि उनके आने के बाद सुल्तान रजा होटल में क्या हालात हुए होंगे और सरकंडों में पड़ा गुलाबा किस हाल में होगा। कुछ ही देर में शाम ने बादलों के साथ मिलकर तारीकी को गहरा करना शुरू कर दिया। एक जगह अचानक रुस्तम और शानी को रुकना पड़ा। नीम पुख्ता रास्ता एक नशेबी जगह से होकर गुजरता था और यहाँ बारिश के तेज़ रफ्तार पानी ने नदी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। रुस्तम ने गाड़ी ऐन उस पानी के किनारे रोक दी। उसमें से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। रुस्तम जानता था कि बाज़ औकात वजनी बसें और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी ऐसे रेलों में बह जाती हैं। ये तो फिर एक कार थी जिसमें फ़कत 2 अफराद सवार थे। कुछ देर तक पानी का जायज़ा लेने के बाद रुस्तम ने कहा, हमें पानी के उतरने का इंतज़ार करना होगा और पानी तब तक नहीं उतरेगा जब तक बारिश ना रुके। हो सकता है कि उसके बाद भी 1-2 घंटे तक पानी चढ़ा रहे। उन्होंने गाड़ी मोड़ी और आबी गुजरगाह के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी बार बार लहरा रही थी। रुस्तम को महसूस हुआ कि रास्ते के बगैर ज़्यादा आगे तक जाना मुमकिन नहीं। लंबे सरकंडों और खुदरू दरख्तों के दरमियान एक जगह वो रुक गए। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मजीद सफ़र के हवाले से बेहतर वक्त का इंतज़ार करने के लिए जगह मुनासिब थी। रुस्तम ने हेडलाइट्स बुझा दी। फ़ज़ा में खुनकी बढ़ गई थी। दोनों को भूख भी महसूस हो रही थी। मर्सिडीज़ के कुशादा डैशबोर्ड में कुछ मीठे और नमकीन बिस्किट्स के अलावा चिकन पैटीज़ भी मौजूद थे। अगली निशिस्त के पीछे बोर्ड पर एक फ्लास्क भी रखा था। शानी ने देखा, उसमें दूध पत्ती नुमा चाय अब भी गर्म है। उन्होंने चाय के साथ कुछ बिस्किट्स लिए और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। बारिश थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कदरे हल्की तो हो जाती थी मगर रुकने में नहीं आ रही थी। आबी गुजरगाह में बहते पानी का शोर उन्हें काफ़ी फासले से भी सुनाई देता था। शानी, आप पिछली सीट पर चली जाएं, कुछ देर आराम कर लें। नहीं, मैं ठीक हूँ। शानी सीट को स्ट्रेच करके वहीं नींद दराज हो गई। रुस्तम ने भी कुछ देर बाद सीट स्ट्रेच कर ली। शानी ने मोहब्बत से मामूर लहजे में पूछा, टांग का दर्द अब ठीक है? हाँ, दर्द वाली गोलियों से कुछ फ़र्क पड़ा है। शानी ने रुस्तम का हाथ थाम कर अपने रुखसार के नीचे रख लिया और अजीब जज्ब के आलम में आंखें बंद कर ली। हाथ के रास्ते मोहब्बत की नहायत तवाना और दिलगुदाज लहरें रुस्तम के जिस्म में सरायत करने लगीं। रुस्तम ने नीम दराज हालत में ही आगे को खिसक कर शानी को गले से लगा लिया। वो उसके सीने में गुमसी हो गए। रुस्तम ने उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बना दिया। वो एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे और बाहर बारिश की बौछारें गाड़ी से टकराती रहीं। रुस्तम ने बड़ी नरमी से शानी के नम रुखसारों और होंठों को चूमा। उसे लगा कि मुहीब तूफानों में घिरे हुए इस कातिल समंदर में ये गाड़ी एक छोटा सा जजीरा है और यहाँ ज़िंदगी अपनी हिद्दतों के साथ मौजूद है। अगर कोशिश की जाए तो इस ज़िंदगी को छुआ जा सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह साकित पड़े रहे और बाहर बादो बारह की रात गरजती रही, आगे को खिसकती रही। उनके दरमियान फासला था, वो दोनों खामोश थे मगर उनकी खामोशी बात कर रही थी। रुस्तम की निगाहें अपनी बीबी के हसीन सरापे पर थीं। वो दुल्हन जैसे जर्क बर्क लिबास में थी और दुल्हनी नजर आती थी। रुस्तम ने दिल ही दिल में कहा, शानी क्या अब हमें भी नहीं मिलना? इसी तरह भागते भागते एक दूसरे से जुदा हो जाना है हमेशा के लिए? आपने कुछ कहा? शानी ने चौंक कर पूछा।
नहीं तो, रुस्तम ने जवाब दिया। शायरी ने फिर रुस्तम का हाथ थाम लिया। रुस्तम के अंदर अपनी बीबी के लिए मुहिब खला मौजूद था, और यह सिर्फ जज्बाती खला ही नहीं था, जिस्मानी खला भी था। उसको अपने अंदर का एहसास कभी भी बुरा नहीं लगा था कि वो बीबी को तमाम तर रूहानी और जिस्मानी शिद्दतों के साथ चाहता है। वो बहुत फ़ख्र से एतराफ़ करता था कि वो जिस तरह बीबी की रूह से इश्क करता है, इसी तरह बीबी के जिस्म से भी करता है। बीबी के रुखसार, उनके होंठ, उनकी गर्दन जिस पर किसी शीशे का गुमान होता था, और उनका खुशबूदार सांस, और उनके तराशे हुए बदन की नरमी और हिद्दत, वो उन सब का दीवाना था। हाँ, ये बात थी कि इन सारी कुर्बतों को हासिल करने के बाद भी उसके अंदर अपनी बीबी की चाहत का अलाव धीमा नहीं पड़ा था, और शायद यही बात थी कि उसके अंदर अपनी बेपाया ख्वाहिशों के हवाले से कोई नदामत पैदा नहीं होती थी। हाँ, ये वही इश्क था जिसके बारे में अम्मा सियानी ने कहा था, ये मिलाप से कम होता है ना जुदाई से। और ये भी कि अगर हीर रांझा मिल भी जाते तो वो ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक हीर रांझा ही रहते। क्या सोच रहे हैं आप, शानू ने गनुदा आवाज़ में कहा। आप क्या सोच रही हैं, क्या ये बारिश हमेशा इसी तरह नहीं रह सकती? हमेशा का तो पता नहीं, मगर अब तो हो रही है, आप इसे रोक लें, शानी ने रुस्तम के सीने में मुंह छुपाते हुए कहा। रुस्तम उसके रेशमी बालों में उंगलियां चलाने लगा। यकयक एक नामानूस आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। वो माहौल के सहर से निकल आए और एकदम उठ बैठे। रुस्तम ने फ़ौरन अपने लोडेड पिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाया। दूर कुछ फासले पर दरख्तों के अंदर इंजन का शोर सुनाई दे रहा था। दरख्तों से और बारिश की बौछारों से छन छन कर आती हुई रोशनी भी उन्हें दिखाई दी। ये क्या है रुस्तम, शानी ने दहल कर पूछा। लगता है कि पुलिस की गाड़ी है, बल्कि शायद दो हैं, एक पुलिस की है, एक प्राइवेट जीप है। क्या इन्हें हमारे बारे में पता चल गया है? कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि रूटीन का गश्त हो। 4-5 मिनट तक रुस्तम और शानी ने बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया कि ये दोनों गाड़ियां आगे निकल जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। गालिबन वहाँ दरख्तों के दरमियान कोई टीन का शेड वगैरह था जिस पर रुस्तम और शानी की निगाह नहीं पड़ी थी। दोनों गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी, अब उनकी हेडलाइट्स ऑफ कर दी गई थी, बस अंदरूनी बत्तियाँ जल रही थी। बारिश अब पहले से हल्की हो गई थी। गाड़ी में मौजूद अफराद में से कोई बुलंद आवाज़ में बोलता था तो उसकी आवाज़ की मधम लहरें रुस्तम और शानी के कानों तक भी पहुँचती थी। अंदाज़ा होता था कि ये पुलिस वाले यहाँ क्याम का इरादा रखते हैं, और ये बेहद ख़तरनाक था। रुस्तम कुर्बा जवार का जायज़ा लेने लगा। वो अब ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते थे, मगर इंजन स्टार्ट करने से पुलिस वाले होशियार हो सकते थे। गाड़ी को छोड़कर जाने भी सरासर घाटे का सौदा था। एक बात रुस्तम के जहन में आ रही थी, 15-20 कदम आगे एक ढलवान सी शुरू होती थी। गाड़ी उस ढलवान पर पहुंच जाती तो 100-150 गज तक इंजन के बगैर ही चलती चली जाती। क्या सोच रहे हैं, शानी ने सरगोशी की। हमें यहाँ से निकलना होगा, आप गाड़ी में ही रहें, मैं बाहर निकल कर गाड़ी को धक्का लगाता हूँ। हम उस सामने वाले ढलवान तक पहुँच गए तो काफ़ी आगे निकल जाएंगे। मगर आप अकेले कैसे करेंगे, आपकी टांग? आप बेफिक्र रहें, हो जाएगा। रुस्तम ने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया और हैंड ब्रेक हटा दिया। उसके बाद वो बड़ी एहतियात से बाहर निकल आया। गरजते बरसते मौसम ने उसका इस्तकबाल किया। पानी की तेज़ बौछारों ने उसे लम्हों में शराबोर कर दिया। उसने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया, टांग में टीसें उठने लगीं, मगर वो लगा रहा था। 8-10 मीटर आगे जाने के बाद गाड़ी रुक गई। उसका एक पहिया शायद किसी छोटे से गड्ढे में था। रुस्तम ने पूरा जोर लगाया, मगर कीचड़ के सबब उसके पाँव फिसल रहे थे। कुछ देर बाद अचानक ही मुश्किल आसान हो गई। रुस्तम ने चौंक कर देखा, शानी भी इस कोशिश में शरीक हो गई थी। वो गाड़ी से बाहर थी और अपनी तरफ से गाड़ी को धकेल रही थी। गाड़ी हरकत करती हुई उस जगह पर पहुंच गए जहां उसे धकेलने की ज़रूरत नहीं रही। रुस्तम ने उसका हैंड ब्रेक खींचा, दोनों गाड़ी के अंदर बैठे, दरवाजे बंद किए और हैंड ब्रेक हटा दिया। गाड़ी पहले सुस्त रवि से रेंगी, फिर उसकी रफ्तार में इजाफा होता गया। वो ढलवान पर आगे बढ़ती रही थी। कहीं कहीं रुस्तम को ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ा। ताबड़तोड़ बरसती बारिश में वो बड़ी खामोशी के साथ करीबन 150 मीटर दूर चले आए। बिजली की चमक गाहे बगाहे कुर्बा जवार को रोशन कर देती थी। आगे बढ़ना दुश्वार था, मगर कोशिश की जा सकती थी। वो आबी गुजरगाह के साथ साथ ड्राइव कर सकते थे। शानी सर तपा भीग गई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे और गर्दन से चिपके हुए थे। जर्द बर्क लिबास भी शराबूर था। आपको सर्दी तो नहीं लग रही? आपको नहीं लग रही तो मुझे भी नहीं लग रही, वो ड्राइव करने लगा। शानी ने एक बार फिर बड़ी उदासी से अपना सर रुस्तम के कंधे से लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं रुस्तम, ये गुलाबी को ढूंढ लिया गया हो और इर्द गिर्द की पुलिस अलर्ट हो गई हो? गुलाबा ना भी ढूंढा गया हो, मगर सुल्तान रजा होटल वाला मामला तो खुल चुका होगा। बेहोश एएसआई होश में आ गया होगा और उसने बता दिया होगा कि इस कमरे में कौन कौन ठहरा था। हमारे चले जाने के बाद पुलिस को यकीन हो गया होगा कि होटल में हम ही ठहरे हुए थे। पता नहीं क्यों रुस्तम, मेरा दिल कहता है कि हमारे इर्द गिर्द हमें तलाश करने वाले मौजूद हैं, वो किसी भी वक्त। वो कहते कहते रुक गई और उसका गला रंध गया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, वो अजीब लहजे में बोला। आप और मैं दो नहीं हैं, और आपने मुझसे वादा किया है
कि अब एक पल के लिए भी मुझे खुद से जुदा नहीं करेंगे। वो आंखें बंद किए किए बोली। आंखों के गोशे नम थे। वो जैसे तैसे चलते रहे। रास्ता सख्त नाहमवार और दलदली था, लेकिन वो अब पुख्ता रास्ते पर चलने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। एक तो जगह गाड़ी फंस भी गई, तहाँ वो किसी न किसी तरह आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। उनका रुख बनू के पहाड़ी इलाके की तरफ था। बारिश की तूफानी कैफियत अब खत्म हो चुकी थी, मगर वो रुकी नहीं थी। कभी रिमझिम और कभी सरलाई की शक्ल में आसमान मुसलसल पानी गिरा रहा था। एक मकाम के सिवा उन्हें अपने इर्द गिर्द कहीं आबादी के आसार दिखाई नहीं दिए। एक जगह एक बेले के अंदर उनकी गाड़ी पंचर भी हुई और उन्हें टायर बदलना पड़ा। उस वक्त सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे जब अचानक उनकी गाड़ी को शदीद झटका लगा और वो खतरनाक जाविये से बाएं तरफ झुक गए। उसका अगला पहिया बुरी तरह नरम जमीन में धंस गया था। रुस्तम ने पहिया निकालने के लिए एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया तो यकायक इंजन झुझुरी लेकर खामोश हो गया। रुस्तम ने कई बार सेल्फ मारा, मगर बूढ़ी मर्सिडीज हिम्मत हार चुकी थी। रुस्तम ने बाहर निकलकर बोनट उठाया और इंजन में ताक झांक की। कुछ देर बाद वो बोनट बंद करके गाड़ी में आन बैठा। लंबी खराबी लगती है, शायद टाइमिंग बेल्ट टूट गई है। अब क्या होगा, शानी घबरा कर बोली। गाड़ी छोड़ना पड़ेगी। उन्होंने सामान समेटा, अटैची केस उठाया और गाड़ी से बाहर निकल आए। धीमी बारिश जारी थी, कभी कभी बिजली की रोशन लकीरें स्याह आसमान को उथल पुथल कर देती थी। वो पैदल चलने लगे। एक मोमी शॉपर में लिपटा हुआ पिस्टल रुस्तम की जेब में था और खतरे के वक्त फ़ौरन उसके हाथ में पहुंच सकता था। यहाँ चारों तरफ खुदरू झाड़ियाँ थी और वीरानी थी। ऐसे इलाकों में गीदड़, सुअर और जंगली बिल्ले वगैरह मौजूद होते हैं, मगर मौसलाधार बारिश ने शायद उन्हें भी पनाह गाहों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। कुछ आगे जाकर घने दरख्तों के दरमियान शानी को एक छोटी सी शिकस्ता इमारत नजर आई। ये क्या है, शानी ने पूछा। शायद मस्जिद, रुस्तम ने जवाब दिया। वो मस्जिद की तरफ बढ़ गए। लगता था कि ये अरसे से खाली पड़ी है। छोटा सा कमरा था, छोटा सा मेहराब और मिंबर। बरामदा भी मुख्तसर था। कमरे के अंदर गर्दो गुबार से अटी हुई फकत एक शिकस्ता चटाई पड़ी थी। रुस्तम ने अटैची से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में देखा। ताकों के अंदर दिए थे जो ना जाने कब से बुझे हुए थे